गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने एसेट्स कंप्लीट कर दिया था। हम लोग लायबिलिटी का डिस्कशन चालू किए थे और लायबिलिटी के डिस्कशन में लायबिलिटी होता क्या है वहां तक पहुंचे थे। मैंने लिखवाया नहीं था तो पहले हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी का डेफिनेशन लिखेंगे अलॉन्ग विथ रिविजन। लिखें पॉइंट वन, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ऑन द बैलेंस शीट डेट ये ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर एग्जिस्ट करता है और मेरे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर ये ऑब्लिगेशन खत्म करना है तो मेरे को इसको चुकाना ही पड़ेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, कोई पास्ट में कर्मकांड करके रखा है जिससे ये ऑब्लिगेशन आज हमारे ऊपर आ रखा है। पास्ट इवेंट फॉर विच आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस will have to be made in future, for which outflow of economic resources will have to be made in future. मैंने क्या बोला, तीन वर्ड को अंडरलाइन किया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट एंड तीसरा आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। हम लोग कल एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे थे, मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे। मैंने हर्ष से गुड्स परचेस कर रखा है 50,000 का, जब माल खरीदा था तब पेमेंट नहीं किया था। मैंने इसको बोला भाई 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ऑन द बैलेंस शीट डेट अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या ये हर्ष का जो बचा हुआ पैसा है क्या वो मेरे लिए लायबिलिटी है? सर आपने गुड्स खरीद लिया, अगर आपने गुड्स खरीद लिया तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ चुका है और आपको इस ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे हर्ष। अगर मैं हर्ष को पे नहीं करूंगा तो ये ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होगा, तो ये हो गया मेरे लिए लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने मेरे को पैसा दे दिया, लोन लिया उन्होंने पैसा दे दिया, मेरे को ये लोन चुकाना है 2 साल बाद, क्या बैलेंस शीट डेट पर ये मेरा लायबिलिटी है? सर आपने लोन का पैसा ले लिया। अगर पैसा ले लिया तो आज के दिन आपके माथे पर चिंता एग्जिस्ट करती है कि चुकाना पड़ेगा और आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप चुकाएंगे तभी यह ऑब्लिगेशन खत्म होगा, तो ये लोन भी हमारे लिए लायबिलिटी है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लो मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, क्या ले रखी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और अभी तक मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूटिलाइज नहीं किया है, बैंक ने मेरे को फैसिलिटी दे रखा है कि तुम चाहो तो लोन ले लेना, पैसा उठा लेना, बट मैंने अभी तक पैसा उठाया नहीं है। अगर पैसा उठाया नहीं है, बैंक ने मेरे को पैसा दिया नहीं है, तो मेरे ऊपर आज के दिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को बैंक को चुकाना पड़ेगा, तो ये ओवरड्राफ्ट की ली हुई लिमिट मेरे लिए आज लायबिलिटी। ये तब लायबिलिटी बनेगा जब मैं इस लिमिट को यूज करूंगा और मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आएगा कि मेरे को बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए लायबिलिटी के एग्जाम्पल थे। एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया था, हर्ष एसी रिपेयर करके गया, जब एसी रिपेयर करके गया मैंने पैसा नहीं दिया था, मैं बोला 7 दिन बाद आना पैसा ले जाना, तो हर्ष ने मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर दी, यानी पास्ट इवेंट, इवेंट हो चुका है ऑब्लिगेटिंग इवेंट, सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो मेरे माथे पर अब चिंता है कि मेरे को हर्ष को पैसा चुकाना पड़ेगा और ये ऑब्लिगेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं उसको पैसा चुका ना दूं, तो ये ऑब्लिगेशन मेरे लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो आज के दिन मेरे ऊपर एग्जिस्ट करता है। एक एग्जाम्पल लिया था एरोप्लेन वाला, फ्लाइट वाला, इंस्पेक्शन वाला, कि सर एज पर रूल्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी हम लोगों को हर पांच साल में अपने एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करा के ओवरहॉल करवाना पड़ेगा। अगर मैं ओवरहॉल नहीं कराता 5 साल के टाइम पे, तो मेरे को अपना एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमको डीजीसीए बोलेगा आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंस्पेक्शन और ओवरहॉल
रिस्क है लाइफ का, पब्लिक लाइफ का, कि यार आप बैठाए लेके गए, रास्ते में कुछ हो गया प्रॉब्लम तो फिर कौन सुनेगा, सबको तो हम लोग को सुनना पड़ेगा। तो आपको हर 5 साल में इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग कराना जरूरी है, नहीं तो आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते। अभी मैंने लास्ट 2 साल पहले ही ओवरहॉल करवाया था, इंस्पेक्शन करवाया था। अगर 2 साल पहले ही इंस्पेक्शन ओवरहॉल करवाया हुआ है तो नेक्स्ट 5 साल का छुट्टी है। जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं होता मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आता कि मेरे को कुछ पे किसी को करना पड़ेगा। अभी मैंने 2 साल पहले इंस्पेक्शन कराया है, 2 साल पहले इंस्पेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट 5 साल के लिए, मतलब सिंपल ऐसे बोल सकता हूं, एक बार इंस्पेक्शन कराओ 5 साल एयरक्राफ्ट उड़ाओ। तो मैंने इंस्पेक्शन 2 साल पहले करवाया है तो अभी मैं एयरप्लेन उड़ा सकता हूं, अभी कोई लाइबिलिटी टू पे किसी को नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है मैं उसको लाइबिलिटी नहीं बोलूंगा। अगर कोई ऑब्लिगेशन आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्यूचर में आएगा, वो ऑब्लिगेशन कभी भी लाइबिलिटी नहीं माना जाता। ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी तभी माना जाएगा जब ऑब्लिगेशन आज के दिन एग्जिस्ट करता हो। एक बच्चे का क्वेरी आया मेरे पास, तो सर वो लोन वाले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है? तो सर लोन तो 10 साल बाद चुकाना है ना, 10 साल बाद चुकाना तो है, बट क्या मैंने उससे पैसे ले लिए? अगर पैसे ले लिए तो चिंता तो एग्जिस्ट करती है ना कि मेरे को देना पड़ेगा, चाहे देना 10 साल बाद हो, उससे फर्क पड़ेगा करंट है या नॉन करंट, बट वो लाइबिलिटी तो है क्योंकि मैंने सामने वाले से पैसा ले लिया। तो दिस इज नॉट अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, दिस इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि मैंने पैसा ऑलरेडी ले लिया। एक एग्जाम्पल दिया था तुमको सैमसंग कंपनी वाला। सैमसंग कंपनी मोबाइल फोन बेचती है, उसके साथ वारंटी देती है कि 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आप हमारे यहां आइएगा, हम आपको ठीक करके देंगे। तो सैमसंग कंपनी एक अपने माथे पर ऑब्लिगेशन रखी है कि अगर कस्टमर मेरे पास आएगा तो मेरे को उसको सर्विस करके देना पड़ेगा, और वो सर्विस का खर्चा लगेगा, हाँ या ना? बिल्कुल लगेगा। तो सैमसंग कंपनी ने ऑब्लिगेशन माथे पर लिया है और ये ऑब्लिगेशन आज के दिन एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसने मोबाइल फोन बेच दिया। अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो हमको उसको लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी होने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो फ्यूचर में होगा, ये तीनों जरूरी है। अगर इन तीनों में कुछ भी मिसिंग है तो फिर हम लोग उसको लाइबिलिटी नहीं बोलते। क्लियर है बात? तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करते हैं एज अ लाइबिलिटी, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को हम लोग रिकॉर्ड। सर मान लो हर्ष को आज आपने ऑर्डर दिया है कि मेरे को 10,000 kg ऑफ सर्टेन गुड्स खरीदना है, 50,000 रुपया लगेगा। हर्ष बोला ठीक है भैया हम आपको 10 दिन में सप्लाई कर देंगे। मैं बोला ठीक है आराम से सप्लाई कर देना, 10 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सिर्फ बात हुआ है, मैंने इसको ऑर्डर दिया है, क्या इसने गुड्स दे दिया? अगर इसने गुड्स नहीं दिया तो ऑर्डर देने से मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आया कि मेरे को पे करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन तो तभी आएगा जब वो मेरे को गुड्स सप्लाई करे। जब तक वो गुड्स सप्लाई नहीं करेगा मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऑब्लिगेशन तब आएगा जब वो माल दे, जब ऑर्डर दिया तब ऑब्लिगेशन नहीं है। इसीलिए ऑर्डर देने से मैं कोई लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, लाइबिलिटी तभी रिकॉग्नाइज करूंगा जब सामने वाला मेरे को अपने गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर करे। जिस दिन मैंने उससे गुड्स खरीद लिया उस दिन से मेरे को उसको पैसा चुकाने का ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर था? पक्का यहां तक ठीक है? अब इस लाइबिलिटी के डिस्कशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूं। जब हम लोग ये ऑब्लिगेशन 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 वर्ड की बात करते हैं ना, कुछ और भी वर्ड्स है जो अकाउंटिंग में आपको टाइम टू टाइम देखने मिलेंगे। एक वर्ड आएगा हमारे सामने धीरे धीरे प्रोविजंस, एक वर्ड आएगा हमारे सामने कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या आएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर कॉन्ट्रैक्ट करके अगर ऑर्डर देते वक्त कॉन्ट्रैक्ट करे अगर ऑर्डर देते वक्त तब लायबिलिटी होगा, मतलब खरीदेंगे, ठीक है, बट खरीदेंगे तो ऑब्लिगेशन कब आएगा? जब वो अपना काम, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो अगर वो मेरे को माल देता ही नहीं है तो मेरा देने का, पैसा देने का कोई ऑब्लिगेशन? मान ले 10 दिन बाद वो आके बोला भैया माल नहीं दे पाएंगे, हम सोचे थे प्रोक्योर कर लेंगे, हुआ नहीं, तो भैया हम नहीं दे पाएंगे गुड्स। अगर वो गुड्स ही नहीं दे पाएगा तो क्या मेरा कोई ऑब्लिगेशन है पैसा चुकाने का? नहीं। अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पैसा चुकाने का तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। सर अगर लोन रीपेमेंट का डेट फिक्स हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? रीपेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता लाइबिलिटी के रिकॉर्डिंग में। लाइबिलिटी के रिकॉर्डिंग में फर्क पड़ता है कि वो ऑब्लिगेशन आज एग्जिस्ट करता है या रीपेमेंट, चाहे 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर केस में वो मेरा आज लाइबिलिटी माना जाएगा।
अब हम लोग ऐसे वर्ड्स सुनेंगे, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्सेट्रा, इन वर्ड्स पे थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कि सर हाउ लायबिलिटी प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर डिफरेंट एंड हमको किसका किस तरीके से अकाउंटिंग करना पड़ता है। वैसे इसके लिए पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा AS 29, बट क्योंकि हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन हमने पढ़ लिया है, हम लोगों को वो आइडिया है जिसको हम बेसिक्स में डिस्कस करके एक बार आगे बढ़ सकते हैं। मैंने तुमसे दो एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था क्रेडिटर्स वाला, एक एग्जाम्पल मैंने लिया था वारंटी वाला। क्रेडिटर वाला क्या एग्जाम्पल था, मैंने इससे पैसा, मैंने इससे गुड्स खरीद रखा था जिससे जिसके लिए मेरे को इसको पेमेंट करना था। और वारंटी वाला एग्जाम्पल था सैमसंग कंपनी ने कस्टमर को मोबाइल बेच दिया, मोबाइल बेचने के साथ एक वादा किया कि एक साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगा हम ठीक करके देंगे। तो यह वादा भी एक ऑब्लिगेशन है जो आपको निभाना पड़ेगा जब वो कस्टमर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्लिगेशन में कुछ बेसिक डिफरेंस है कि नहीं वो समझने की कोशिश करना। क्रेडिटर वाला जो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी, उसमें दो चीज सर्टेन है। नंबर वन, पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये सर्टेन है क्योंकि माल आ चुका है ना, खरीद चुके हैं। एंड नंबर बी, अमाउंट कितना है वो भी हमको सर्टेन है कि भैया अगर माल 50,000 का खरीदा तो पेमेंट भी कितना करना पड़ेगा, 50। आगे कोई डिस्काउंट वगैरह दे दिया वो अलग बात है, वो जब आएगा तब देखेंगे, हम लोग पहले से उसको एंटिसिपेट नहीं करते। बट 50,000 का अगर माल खरीदा है तो लायबिलिटी मेरे को 50,000 रिकॉर्ड करना है। ये क्रेडिटर में ये दो चीज ना मेरे के लिए सर्टेन है, फर्स्ट डे से सर्टेन है कि भैया पेमेंट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एंड नंबर टू, कितना करना पड़ेगा वो भी मेरे को पता है। बट वारंटी के केस में सोच, ऑब्लिगेशन तो मेरे ऊपर है, पेमेंट होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है कि कस्टमर का मोबाइल फोन खराब हो और कस्टमर मेरे पास आए। मान ले कस्टमर का मोबाइल फोन ही नहीं खराब हुआ तो क्या हमको कुछ नहीं लाइबिलिटी, मैं बोला पेमेंट करना पड़ेगा क्या कुछ नहीं। या मान ले खराब हुआ बट वो मेरे पास नहीं आया, वो घर के पास ही ठीक करवा लिया, तो भी हमको कुछ देने का दरकार। यानी यहां पर ना जो पेमेंट का बात है ना, पेमेंट वो सर्टेन नहीं है, प्रोबेबल है कि सर हां सर इतना माल बेचते हैं कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे ही सर, ऐसा नहीं है कोई नहीं आएगा, कुछ लोग आएगा इसका चांस 70-80% है, प्रोबेबल है बट सर्टेन मतलब देयर इज अ चांस इन्वॉल्व्ड इन रिकॉग्नाइजिंग द वारंटी। चांस क्या सर, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट क्रेडिटर में ऐसा नहीं था कि सर वो पैसा लेने आ भी सकता है नहीं भी आवे, वो आएगा सर, हर छोड़ेगा क्या सर, अगर गुड्स बेचा था 50,000 का तो वो पैसा लेने आएगा, वो ऐसा नहीं है नहीं आएगा। बट वारंटी के केस में अगर माल खराब ही नहीं हुआ तो वो तुमसे रिपेयर करवाने, और अगर नहीं आया तो पैसा लगेगा ही। नंबर टू, अगर वो आया तो डिफेक्ट कौन सा लेके आएगा वो आपको अभी से पता नहीं है। वो हो सकता है ऐसा डिफेक्ट लेके आए जिसमें खर्चा सिर्फ 20 रुपया हो सकता है ऐसा डिफेक्ट लेके आए जिसमें खर्चा 500 रुपया हो सकता है ऐसा डिफेक्ट लेके आए जिसमें खर्चा 5,000 रुपए का हो। तो कितना अमाउंट हमको उस दिन आउटफ्लो करना पड़ेगा वो भी सर्टेन है कि अनसर्टेन है, अनसर्टेन है सर। हो सकता है 20 भी करना पड़े, 500 भी करना पड़े और 5,000 भी करना पड़े। जो दो चीज यहां पर सर्टेन था ना, वो दो चीज यहां पर अनसर्टेन या चांस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर वन, आउटफ्लो यानी पेमेंट करना है ये प्रोबेबल है, प्रोबेबल सर्टेन नहीं है, ये प्रोबेबल है सर्टेन नहीं है। एंड नंबर टू, कितना करना है ये हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं, ये भी सर्टेन नहीं है। बोलो हां या ना। अब बोला गया है तो दोनों ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बट दोनों में ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस है। एक में सब कुछ सर्टेन है और एक में सब कुछ प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेन है, डिपेंड करता है चांस पर, कुछ भी हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या हम बोले जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ने बोला इन दोनों टाइप के ऑब्लिगेशंस को अलग करना जरूरी है सो दैट हम प्रॉपरली अपने स्टेक होल्डर को दोनों लायबिलिटी के बारे में प्रॉपरली समझा सके। इसीलिए इस पहले वाले को हम लोगों को लायबिलिटी बोल के रिकॉग्नाइज करने बोला गया। क्या बोल के?
लाइबिलिटी बोल के, मतलब ये जब हम दिखाएंगे तो हम नाम बोलेंगे क्या, ये लाइबिलिटी है मेरा। और दूसरे वाले को रिकॉग्नाइज करने बोला गया इन द नेम ऑफ प्रोविजंस। वैसे प्रोविजन खुद एक लाइबिलिटी है, खुद एक ऑब्लिगेशन है, बट उस ऑब्लिगेशन और नॉर्मल ऑब्लिगेशन में एक फर्क है। वहां पे सर्टेन है देना ही पड़ेगा, यहां देना पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, कम भी लग सकता है बेसी भी लग सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने वारंटी के लिए मान लो 200 रुपए का प्रोविजन बना के रखा, मेरे को लगा 200 रुपए तक का खर्चा हो सकता है जब कस्टमर मेरे पास आके फोन ठीक करवाएगा, मेरे को लगा 200 का खर्चा हो सकता है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो आए बड़ा डिफेक्ट लेकर जिसमें हमको 200 की जगह 500 का खर्चा करना पड़े, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो आए दो छोटा डिफेक्ट लेकर जिसमें 200 की जगह 50 का खर्चा करना पड़े, या हो सकता है वो आए ही नहीं, बोले मेरा फोन खराब ही नहीं हुआ। तो ये तीनों ही चीज तो हो सकता है, बट लाइबिलिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। हम लोग जब किसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड करेंगे ना, हम पहले ये दो चीज टेस्ट करेंगे कि भाई उसको क्या बोल के रिकॉर्ड करूं, क्या मैं उसको लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड करूं या प्रोविजन बोल के रिकॉर्ड करूं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो तुम बताना क्या बोल के रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, सर माल खरीदा हुआ है पैसा चुकाना है और इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सर देना ही पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा सब पता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, अब सुन ध्यान से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी समझते हो, इंप्लॉइज जब रिटायर करते हैं ना तो कंपनी उनको कुछ रिटायरमेंट के टाइम बेनिफिट्स या पेमेंट्स करती है, कंपेंसेशन देती है सो दैट वो आगे की लाइफ अच्छे से जी सके। सुनो अभी हड़बड़ाना नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल सुन फिर बताना लायबिलिटी प्रोविजन। हमारे ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लागू वागू नहीं होता है। हमारे यहां एक बुड्ढे दादू काम करते हैं, उनकी अभी 65 साल की उम्र आ गई है। हमने उनको बोला सर अब आप रिटायर कर जाइए, आप रिटायर करेंगे तो हम लोग अपनी खुशी से आपको ₹1,00,000 पेमेंट करेंगे, सो दैट वो ₹1,00,000 आप अपने फ्यूचर के लिए जो भी काम में आपको यूज करना है आप वो यूज कर सको, कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए, कोई आपको दूसरा काम करना है, हम आपको ₹1,00,000 का पेमेंट करेंगे। जिस दिन वो रिटायर हुए हमने उनको ये बोला, हमने उनको बोला आप आइएगा पैसा ले जाइएगा। बोलो अभी ये लायबिलिटी की प्रोविजन, लायबिलिटी। हम तो ऐसा थोड़ी बोला, 65 साल का हो गया वो रिटायर कर रहा है और मैं उसको बोला भाई ले जा ₹1,00,000, लायबिलिटी है ये, लायबिलिटी। अब इसी का दूसरा एग्जांपल, हमने अपने एम्प्लॉई को बोल रखा है, कोई भी इंप्लॉई हमारे यहां ज्वाइन करता है अगर वो 5 साल टिक गया तो 5 साल के बाद वो जब भी जाएगा हम लोग उसको ना उस टाइम की सैलरी के हिसाब से ग्रेच्युटी का पेमेंट करेंगे। प्रोविजन, प्रोविजन क्यों? क्योंकि सर जो इंप्लॉई है वो 5 साल टिकेगा या नहीं टिकेगा पता, नंबर टू कितना देना है वो भी डिपेंड करता है वो कब जाएगा, और जब जाएगा उस समय उसका सैलरी क्या होगा, अभी तो हमको एक्चुअल में पता। तो अगर मैं बात करूं ग्रेच्युटी की, मैं ग्रेच्युटी के लिए प्रोविजन बनाऊंगा, मैं ग्रेच्युटी के लिए इस केस में लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरे को पता ही नहीं है कौन कौन लेगा और कितना रुपया हमको देना पड़ेगा। वारंटी, वारंटी एग्जाम्पल, वारंटी क्या प्रोविजन, वारंटी में पता ही नहीं आपको कौन आएगा क्या डिफेक्ट लेके आएगा और कितना रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो भी प्रोविजन है। ऐसे बताऊं एक तो चीज, सुन के थोड़ा सा अजब लगेगा बट आगे सीख जाओगे, जो हम लोग ईयर एंड ईयर खत्म होने के बाद इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम टैक्स, अभी आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं स्लैब रेट वगैरह यूज करके इंडिविजुअल के केस में। ये जो इनकम टैक्स का हम लोग कैलकुलेशंस करके गवर्नमेंट को पेमेंट करने का बात करते हैं ना, इसको भी हम लोग प्रोविजन बोल के ही रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। सर क्यों सर, एस्टिमेट क्यों? आपका इनकम निकला हुआ है, उस इनकम पे टैक्स कितना देना है वो गवर्नमेंट पहले ही आपको बता चुका है, टैक्स रेट सब फिक्स है, तो सर आपको इनकम कमाया तो टैक्स देना ही पड़ेगा और रेट वेट सब लिखा हुआ है तो उतना देना पड़ेगा, तो सर इसमें प्रोविजन का ही चीज का, इसमें तो पता है कितना देना है। मैं बोला क्या होता है, तुम जो टैक्स असेसमेंट, तुम अपना टैक्स जो असेस करके गवर्नमेंट को दे रहे हो ये सेल्फ असेसमेंट है, तुम्हारे असेसमेंट के बाद गवर्नमेंट के पास असेसमेंट जाता है, वो रिटर्न जाएगा, तुम क्या करोगे असेस करके अपना टैक्स लायबिलिटी निकाल के अपना रिटर्न भरोगे, जो रिटर्न तुम भरोगे वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उसको वापस से असेसमेंट करेगा कि अविनाश संचेती जो टैक्स बता रहा है वो सही है या अगर मान लो मैंने कुछ गलती किया या अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा खर्चा किया जो गवर्नमेंट बोल रहा है ये अलाउ नहीं होना चाहिए तो क्या मेरी लायबिलिटी सेम रहेगी या बदल सकती है? बदल सकती है।
वहां पे ये तो पता है देना है, बट कितना देना है ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्चुअल तो उतना देना पड़ेगा जितना गवर्नमेंट के असेसमेंट के बाद हमको पता चलेगा। मैंने इस साल इनकम टैक्स मान लो 5 लाख का टैक्स रिटर्न लगा के भर दिया और 5 लाख का टैक्स पेमेंट कर दिया। मैं 5 लाख को बोल रहा हूं ये 5 लाख की लाइबिलिटी थी, पेमेंट कर दिया, बात खत्म। ये 5 लाख जो अभी पेमेंट किया है ना, ये सिर्फ मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके दिया है। हाँ, मैंने रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉलो किया है, बट अभी ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास वो इनकम का डिटेल गया और गवर्नमेंट को लगा कि अविनाश भैया छुपा रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो मेरी लाइबिलिटी को चेंज कर सकता है। और उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, धीरे धीरे सीखोगे, इंटरेस्ट वगैरह का चक्कर होता है। हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल कैलकुलेट करके दे देते हैं, बाद में जब आता है तो इनका इंटरेस्ट विंटरेस्ट जुड़ के आता है कि आपने ये सब नहीं बताया जो इंटरेस्ट जुड़ के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब आज जो मैं टैक्स खुद कैलकुलेट करके पेमेंट कर रहा हूं ना, ये सिर्फ एक प्रोविजन है। क्यों प्रोविजन है? क्योंकि अभी मैं एस्टिमेट करके पेमेंट कर रहा हूं, अभी एक्चुअल अमाउंट पता नहीं है। एक्चुअल अमाउंट तब पता चलेगा जब गवर्नमेंट असेसमेंट करके हमको बताएगा कि हमको कितना टैक्स पे करना चाहिए। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है प्रोविजन के, जो हम लोगों को धीरे धीरे आगे देखने मिलेंगे। सर, हम लोग ना बचपन में सुना था प्रोविजन फॉर बैड डेट। जो आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट सुना था ना, वो ये लायबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता। प्रोविजन भी ना, अगर रॉ मतलब पढ़ो प्रोविजन का, तो प्रोविजन में दो चीजें आती है। प्रोविजन मतलब प्रॉफिट से प्रॉफिट्स को सेट असाइड करना। क्या करना? प्रॉफिट्स को सेट असाइड करना दो चीजों के लिए, या तो फॉर एनी फ्यूचर लॉस या फॉर एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं बोलूंगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलूंगा, बट जिसका पेमेंट कब करना है? फ्यूचर में करना है। जैसे ग्रेच्युटी, सुनना ध्यान से बात, इंप्लॉई अगर मेरे यहां आज ज्वाइन कर लिया और काम करना शुरू कर दिया, तो क्या मेरे ऊपर ग्रेच्युटी का चिंता आना शुरू हो गया? क्योंकि जैसे ही वो काम करेगा, धीरे धीरे काम करते जाएगा, मेरे को धीरे धीरे उसका ग्रेच्युटी अक्रू करके पेमेंट करना पड़ेगा, तो चिंता आज ही आ गई क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है। ये जो ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन के लिए जो प्रोविजन बनाते हो वो यहां पर कवर्ड है। हम लोग लॉस के लिए भी प्रोविजन बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, इट्स अ प्रोविजन फॉर लॉस, कि भैया मेरे को लग रहा है मेरा डेटर है 10,000 का, उसमें 500 रुपया डेटर से फ्यूचर में नहीं आएगा, अभी लग रहा है, सर्टेन नहीं है बट हो सकता है नहीं आए, तो हमने क्या किया, आज ही 500 रुपया प्रॉफिट कम करके स्टेक होल्डर को बता दिया, देख मेरे को लग रहा है 500 का नुकसान हो सकता है, हो सकता है ना हो सकता है हो जाए। तो जब आप प्रोविजन लॉस के लिए बनाते हो ना, वो इसमें कवर्ड नहीं है। वो हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉसेस का। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्लिगेशन, जहां पे आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट में कुछ आउटफ्लो होगा? सर, इनफ्लो जो आने वाला था वो कम हो जाएगा, आउटफ्लो कुछ होने वाला? मेरे एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो रहा है सर, आउटफ्लो कुछ नहीं करना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट इस प्रोविजन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो यहां मैं अभी जो प्रोविजन की बात कर रहा हूं उसमें प्लीज प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इनको कवर मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे कभी ऑब्लिगेशन, वहां पे सिर्फ एक लॉस है जिसके लिए मैं पहले से प्रोवाइड फॉर कर रहा हूं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जिसको आप बोलते हो। जो हम लोग बोल रहे थे कल, याद करो, एसेट में डेटर है 50,000 का, मेरे को लगता है 5,000 नहीं आएगा, तो क्या डेटर एसेट बैलेंस शीट में 50,000 दिखाना चाहिए? सर, जब आपको लगता है नहीं आएगा तो 5,000 का डेटर आपको नहीं दिखाना चाहिए वहां पे। अगर आप वहां पे दिखाओगे ना सर, तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट हो जाएगा, लोगों को लगेगा पैसा आ जाएगा बट पैसा आने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको सर्टेनली पता है नहीं आएगा तो आप बैड डेट बोल के पूरा राइट ऑफ कर दो, बट अगर आपको डाउट है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो क्या बना लो? प्रोविजन बना लो। आज प्रॉफिट थोड़ा सेट असाइड करके रख लो, जब नेक्स्ट ईयर होगा तब देखेंगे, अगर आ गया तो ठीक है लॉस देख लेंगे, नहीं आया तो बहुत अच्छा। तो यहां मैं जिस प्रोविजन की बात कर रहा हूं वो प्रोविजन कौन सा वाला है? लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन वाला, जिसके लिए मेरे को फ्यूचर में आउटफ्लो करना, चाहे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बोलू, चाहे प्रोविजन फॉर वारंटी बोलू, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स बोलू, क्या इन तीनों में फ्यूचर में आउटफ्लो होगा? तो ये प्रोविजन अभी डिस्कस कर रहा हूं। लॉस वाला प्रोविजन आगे आएगा जब मैं लॉसेस को डिस्कस करूंगा। बोलो। डिविडेंड टू बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब डिविडेंड का डिस्कशन एक पूरा ही अलग लाइन ऑफ डिस्कशन है, चलो मैं कर देता हूं। डिविडेंड टू बी पेड का मतलब क्या बोलना चाहते हो?
चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं बच्चा, क्योंकि पूछ रहा है शेयर कैपिटल और लोन में क्या फर्क है। देना ही पड़ेगा। और कैपिटल पैसा रहेगा तो देंगे, नहीं तो अभी आज हम लोग इक्विटी डिस्कस करेंगे। इक्विटी वाला मेरी तरह है संत आदमी, लायबिलिटी वाला तुम्हारी तरह है। तुम्हारी तरह है मतलब बोलेगा भैया पैसा दिए दीजिए हमको, और मैं संत आदमी, ठीक है क्या है, आया तो ठीक नहीं आया तो ठीक। अब सुनना ध्यान से, अगर तुम बात करें ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, कंपनी लॉ बोलता है डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, दैट इज ऑलवेज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। मतलब प्रॉफिट कमाया यानी डिविडेंड देना है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। प्रॉफिट कमाने के बाद अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरे को पूछ रहे सर प्रॉफिट कमा लिया, अब सर डिविडेंड देना तो पड़ेगा ही, तो मैं बोलूंगा तुम गलत बोल रहा है। प्रॉफिट कमा लिया, डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर दिया, अब डिविडेंड देना पड़ेगा, सही बात है। डिक्लेरेशन करने के बाद तो वो एक्चुअल लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा वो भी तेरे को पता है। तो हम लोग डिविडेंड का कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना तब सीधा उसको लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर डिबेंचर होल्डर है उनको इंटरेस्ट देना है तो वो भी एक्चुअल फिगर कितना देना है और देना है ये दोनों सर्टेन है। तो अगर कोई डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो भी लायबिलिटी है, उसका कोई प्रोविजन नहीं बनाना। डन है बात? तो वो डिबेंचर का इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी इफ अनपेड। डिविडेंड लायबिलिटी तभी बनेगा जब कंपनी उसको डिक्लेयर करे, सिर्फ प्रॉफिट कमाने से देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं आता। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे AS 4, वहां पे ये बात डिस्कस करेंगे कि भाई डिविडेंड का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। क्या ये दोनों बात में डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है? हां बोलो। अभी उसमें गए नहीं है, मैं जाने वाला हूं, चले कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फिर बताऊं, तब पूछ लेना। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो लायबिलिटी और प्रोविजन में अगर डिफरेंस लाइन टानना पड़े तो मैं ऐसे बोलूंगा प्रोविजन भी एक लायबिलिटी है, बस उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड है। अनसर्टेनिटी नंबर वन, देना है ये सर्टेन नहीं है, प्रोबेबल है, चांस है, बट देना पड़ेगा ही ऐसा कुछ। नंबर टू, कितना देना है वो भी सर्टेन नहीं है, उसको भी हमको एस्टिमेट करना पड़ता है। क्या ये दो पॉइंट ध्यान में रहेगा? अभी मैं लिखवाऊंगा, ध्यान में रहेगा। अब इसका एक तीसरा एलिमेंट आता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या आता है? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी को दो तरीके से समझाया जा सकता है। पहला, मान लो तुमको लगता है कि हमको ये वारंटी, मैंने वारंटी दे दी है कस्टमर्स को, तो कस्टमर फ्यूचर में आएंगे तो मेरे को उनको खर्चा, उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा, आउटफ्लो करना पड़ेगा। मैंने वारंटी दे दी है तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, बट ना मैं ये डिसाइड या एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं कि कितने लोग आएंगे और उनके लिए मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन आज आ गया मेरे पर, बट उस ऑब्लिगेशन का जो वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू भैया कितना देना पड़ेगा, कितने लोग आएंगे, कितना खर्चा होगा, मैं ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं। जनरली ये एस्टिमेट तब नहीं कर पाते जब आप नए नया कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कर रहे हैं। 2-3-4 साल हो गया, 1-2 साल हो गया तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि भैया इतने में इतना माल खराब निकलता है, इतना खर्चा होता है। बट मान लो कोई नया धंधा शुरू किया है, पहली बार किया है, आपको उस धंधे के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कोई दूसरे लोग भी नहीं है जो बता सके, कोई इंडिपेंडेंट लोग या कोई मास्टर लोग नहीं है वहां पे। इन दैट केस कभी कभी ऐसा होता है, सर मेरे को पता है कि कुछ ऑब्लिगेशन आएगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मैंने वादा कर दिया है, बट सर कितना लोग आएगा, कितना खर्चा होगा, ये मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं। बोला गया अगर प्रोविजन के केस में आप ये एस्टिमेट नहीं कर पाते हो कितना देना है, या ये नहीं पता कर पाते हो कब देना होगा, कोई आएगा या नहीं आएगा, इन दैट केस फिर उस ऑब्लिगेशन को आप प्रोविजन की तरह रिकॉर्ड नहीं करके आप डिस्क्लोज कर दो बैलेंस शीट के नोट्स में एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी।
तो मैंने कस्टमर को वारंटी दी, बट मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूं मेरे को कितना खर्चा नेक्स्ट ईयर करना होगा, तो मैं ये ऑब्लिगेशन को छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा, बट रिकॉर्ड करके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है। मैं क्या करूंगा, उसका डिस्क्लोजर कर दूंगा कि यार मैंने वारंटी दे रखी है, बट वारंटी में कितना खर्चा आएगा ये मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं कि ये भी कुछ नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी आने वाला है। पहला तो ये तरीका हो गया समझने का कंटिंजेंट लाइबिलिटी को, कि कोई ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट उसमें हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में मेरे को कितना देना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, कंटिंजेंट ऑब्लिगेशन को अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, दे आर पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसका होना या ना होना किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एक बिजनेस एंटिटी ने दूसरे बिजनेस एंटिटी पर केस किया। क्या केस किया? कि तुमने मेरा नाम चुराया, ट्रेडमार्क चुराया, पेटेंट चुराया और उससे माल बनाकर कस्टमर को बेच दिया। इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्रिंजमेंट। आपने हमारा ट्रेडमार्क या आपने हमारा नाम यूज करके माल बेचा है जिस पर आपका हक नहीं था, हमारा हक था, तो अब आप हमको कंपेंसेट कीजिए हमको जितना नुकसान हुआ है उसके कारण। जैसे बिस्लेरी और बिल्सेरी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आप मार्केट में पानी खरीदने जाएंगे ना, एक व्हाइट कलर नॉर्मल बॉटल होगी, ट्रांसपेरेंट, ग्रीन कलर का रैपर, ग्रीन कलर का ढक्कन, कौन याद आ रहा है? बिस्लेरी। बट बिस्लेरी के साथ 70% टाइम्स आप बिल्सेरी पानी पीते हो और आपको पता भी नहीं। सर ये बिल्सेरी नाम है उसका, बी स्टार, ये नया आ गया बी स्टार, ऐसा बहुत सारा है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उस प्रोडक्ट को टू क्लोजली रिसेंबल कर रहे हैं ताकि लोगों को दूर से लेख के लगे यार ये तो बिस्लेरी का ही पानी है। हाँ बिल्कुल, ये जो एड ऊंट वाला जो एड निकला है ये उसी के लिए तो निकला था कि भाई समझदार लोग देख के पीजिए पानी। और साला बिल्सेरी भी पैसा 10 रुपया ही ले रहा है, मतलब तुम देखो कितना मजा उठा रहा है वो बिस्लेरी पानी बेच रहा है, कितने सालों से उसका एक अलग नाम है। आज बिस्लेरी, मैं तुमको ऐसे बोलूं समझाने के लिए, तो बिस्लेरी वो हिमालयन पानी वाला ब्रांड है, वो हिमालय का एक बोतल आता है ना पिंक कलर का, वो टाटा वाला 70 रुपया का बिकता है भाई, 70-90 रुपया लीटर, जितने में वो कैफे वैफे में सब में अलग दाम है। कहीं मॉल में जाओगे तो 200 में भी मिलेगा, फ्लाइट में पियोगे 200 में भी मिलेगा और नॉर्मल में 70 में भी मिलेगा। अब बिस्लेरी हो गया वो क्वालिटी और बिल्सेरी हो गया बिस्लेरी, डिफरेंस समझाने के लिए बोल रहा हूं। वो क्या कर रहा है, वो टू नियरली ऐसा प्रोडक्ट बना के रिसेंबल करके बेच रहा है जिससे लोगों को बिस्लेरी सोच के वो बिल्सेरी का पानी पी रहे हैं। और लिटरली हम लोग कभी खोल के देखते भी नहीं भाई, पानी खरीदते हैं, नंबर वन खरीदते तभी है जब बहुत प्यास लगा हो, नहीं तो रोक जाते हैं, बोला 10 रुपया कौन बर्बाद करेगा। और प्यास इतना लगा हुआ था कि खोलते ही हम पूछते भी नहीं है, सीधा बॉटल खोल के सीधा गड़गड़ करके कंप्लीट, और वो बॉटल क्रश करके खत्म, क्रश करके ऐसे जैसे फेंकना फेंक देते, मतलब हम लोग को 2 मिनट भी नहीं लगता उसको कंज्यूम करने में, तो हम क्यों देखेंगे बिस्लेरी है बिल्सेरी है, पानी पीना है, जीवन बचाना है भाई। अब बिस्लेरी ने केस किया इन कंपनीज पर। अब उस कंपनी को लग रहा है कि यार ऐसा कर्मकांड तो हुआ है, बट अब ये केस का जजमेंट क्या आएगा उससे मेरे को पता चलेगा कि मेरे को बिस्लेरी को कुछ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने लॉयर से पूछा, लॉयर भी बोल रहा है अभी हमको नहीं लग रहा है अपने हार जाएंगे, क्योंकि ऐसा हजारों केस है जो पेंडिंग है जिसका अभी तक कुछ निकला, पानी के साथ अकेला थोड़ी हुआ है, हर प्रोडक्ट में सेम चीज होता है। तो बोला ऐसा हजारों केस पेंडिंग है और अभी तक किसी पर आया नहीं है, तो आप डरिए मत। तो जब वो बोला तो मेरे को क्या लगा कि अभी आना आया नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है और आने का चांस है आगे, मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। क्या पॉसिबल? उसको बोलते हैं जो आज के दिन प्रोबेबल नहीं है, जिसका आने का चांस आज के दिन कम है। तो मेरा ऐसा, मेरा आदमी बोल दिया, मेरा लॉयर बोल दिया, तो हम बोले ठीक है चल आज तो कोई ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। तो क्या तुमको इसके बारे में स्टेक होल्डर को बताना चाहिए? सर बताना चाहिए, हम ये नहीं बोलेंगे सर आपको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए, बट लोगों को बताना तो चाहिए कि हमारे ऊपर केस चल रहा है जिसमें हो सकता है फ्यूचर में एक लाइबिलिटी आ जाए। हम लोग ऐसे ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड नहीं करके नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देते हैं इन द नेम ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इन द नेम ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी।
तो मेरे ऊपर आज के दिन कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि कोर्ट का कोई डिसीजन आया नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में डिसीजन आए, फ्यूचर में आएगा ही डिसीजन, कोर्ट तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा। वो डिसीजन दो हो सकता है, फेवर भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। जब आएगा तब पता चलेगा मेरे को कुछ देना है या नहीं देना है। आज मेरे को कुछ पता, मान लो कोर्ट धीरे 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 डिस्कशन सुनवाई किया और धीरे धीरे दूसरे केसेस में भी कोर्ट अपना डिसीजन सुनाना शुरू कर दिया है और सारे केसेस में यही डिसीजन आ रहा है कि जो आदमी ये सब कर रहा है उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा टू दी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। तो अब हमारा पता है क्या बोला लॉयर, बोला सर अब डर लग रहा है सर, सारे केसेस में सर कोर्ट का वही जजमेंट आया है और सर नॉर्मली इंडिया में यही होता है अगर कोई कोर्ट जजमेंट दे चुका है उसके ऊपर तो दूसरे कोर्ट उस जजमेंट को ही रेफर करके अपना भी जजमेंट सुना देते, ऐसा सुना है वो सुन के, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के आए हुए जजमेंट्स भी इक्वल टू लॉ माने जाते हैं, प्रेसिडेंस बोल रहा है इक्वल टू लॉ माने जाते हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन अगर किसी जज ने ऐसा किया है तो वो इंटरप्रिटेशन सही होगा, तो ये जज भी हो सकता है सर वही डिसीजन सुना दे। ऐसा नहीं है कि वही सुनाना पड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है तब बाइंडिंग हो जाता है, बट दूसरे कोर्ट का जजमेंट होता है तो बाइंडिंग नहीं है। बट सर ऐसा जो हो रहा है ना, हम लोगों को डर लग रहा है कि हो सकता है कि आपके अगेंस्ट डिसीजन आए और सर अगर आ गया तो 15 लाख तक का पेनल्टी आपके ऊपर आ सकता है। अब वो ये बोलने लगा तो क्या मेरे को एक डर लगने लगा, क्या अब ऑब्लिगेशन पॉसिबल है कि प्रोबेबल हो रहा है? प्रोबेबल पॉसिबल मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी कम थी, बट अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है और हमारा लॉयर बोल रहा है सर हो सकता है हमारे अगेंस्ट डिसीजन आए और 15 लाख रुपया हमको देना, तो क्या अभी भी डिस्क्लोजर ही करते रहे कि अब लोगों को बताना चाहिए कि लाइबिलिटी आने वाली है? तो हम लोग अब धीरे धीरे प्रोविजन बनाना शुरू करते हैं और 15 लाख का लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भैया हमने कुछ कर्मकांड रखा है जिसका रिजल्ट अभी थोड़े दिन में आने वाला है और हमको उसके लिए 15 लाख रुपया देना पड़ सकता है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा पड़ेगा, पड़ सकता है। मान लो नेक्स्ट ईयर कोर्ट का जजमेंट आया और कोर्ट ने सुनाया कि हां आप गिल्टी हो, आपको 15 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब जजमेंट आने के बाद इज इट अ प्रोविजन और इट हैज बिकम एन एक्चुअल लाइबिलिटी? एक्चुअल लाइबिलिटी। ये जो कंटिनजेंसीज होती है ना, कंटिनजेंसी मतलब समझते हो, कोई ऐसी चीज जो आज के दिन फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है, आज के दिन मेरे को लग रहा है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो किसी दूसरे इवेंट पर डिपेंडेंट है, वो हुआ तो ये होगा, नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। तो इन कंटिन 14 फरवरी कंटिनजेंसी का लड़का लोग को पता है कटेगा ही लाइबिलिटी से जो ना सिंगल अचिश थी सर आप देख के बोल रहे हैं सर ये गलत बात है सर मिंगल है तीन टे सब झूठ मत बोल किसी के बारे में साहिल अगर कुछ किया ना तो इतना इतना जगह जगह पे वो डंडा खाएगा कि पता नहीं चलेगा इंसान है कि बंदर, वो कुछ नहीं कर सकता है। सर का मुद्दे, सर का शादी हो गया, शादी के बाद कुछ नहीं होता है। हाँ राम, नाम से ही, नाम जैसा ही काम करना जिंदगी में। चलो सुनो बात, ये जो कंटिनजेंसीज होती है ना, इनको हमको हर हर ईयर एंड में असेस करना पड़ता है कि भाई आज उसका कंडीशन क्या है। अगर मैंने असेसमेंट किया और मेरे को लगा नहीं आएगा, चांस अभी कम है, तो मैं कंटिनजेंसी बोल के ही दिखाते जाऊंगा। अगर मेरे को असेसमेंट लगा नहीं भाई आ सकता है, चांस है अच्छा 60-70% चांस है आ जाएगा, प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा। अगर मेरे को लगा आ गया भाई अब तो देना ही पड़ेगा, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगा। ये धीरे धीरे असेसमेंट करके हम लोग उसको प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं आया तो उसको रिवर्स कर देंगे। मैंने एक प्रोविजन बनाया, मेरे को लगा मेरे ऊपर ये नुकसान या लायबिलिटी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर गया मैं जीत गया मेरे ऊपर नहीं आया, तो मैं प्रोविजन रिवर्स कर दूंगा, ये बता दूंगा कि मैंने सोचा था आएगा अब नहीं आएगा। तो सर उसको गलत नहीं बता दिए, एस्टिमेशंस गलत हो सकते हैं, मेरे उस दिन के एस्टिमेशन के हिसाब से मेरे को देना पड़ता, इसीलिए मैंने प्रोविजन बनाया। अब मेरे को जब फाइनल पता चला, मेरे को पता चला नहीं देना है, तो मैं प्रोविजन रिवर्स कर रहा हूं, अब इस लॉस का दरकार नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि प्रोविजन फ्यूचर में जाके रिवर्स नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो आज के दिन सर्टेन है या अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, जिसका होना या ना होना किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट है जो हमारे कंट्रोल में। अभी एग्जांपल लूं तो जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया पेंडिंग कोर्ट केस, एक कोर्ट केस मेरे ऊपर चल रहा है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो ये जनरली एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है अनलेस आपका हारने का चांस हायर है। अगर आपको लगता है तो फिर आप कंटिंजेंट नहीं बोलोगे, फिर आप बोलोगे इसका प्रोविजन बना लो भैया क्योंकि हारने का चांस है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं सुनना, हर्ष सीए बन गया, सीए बनने के बाद ये बोला हमको बिजनेस करना है। मैं बोला बहुत बढ़िया बिजनेस कर यार, बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है। बोला भैया बट बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं है। मैं बोला लोन ले ले। बोला भैया लोन लेने गए थे बैंक वाला भगा दिया। मैं बोला ऐसा क्यों, तुम ज्यादा बोल दिया क्या? बोला नहीं भैया हम ज्यादा बोलते ही कहां है, पूछना गलत नहीं होता सही होता है, पक्का कर लेना चाहिए। तो आप देखो क्या बोल रहा है, उसको बैंक वाला भेज दिया वापस। मैं बोला क्या बोला बैंक वाला? बोला हमारे यहां कोई एक अच्छे कस्टमर की गारंटी लाकर दो कि वो तुमको जानते हैं और तुम्हारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को सर्टिफाई करते हैं कि अच्छा लड़का है पैसा दे देगा तब हम आपको पैसा देंगे। मेरे पास आया तो हम बोले चल यार हर्ष तुम क्या, तुम अपना ही बच्चा है, चल चलते हैं अपने। मैं बैंक में गया, जब बैंक में गया तो हर्ष चौक गया, क्यों? मैनेजर मेरे को बाहर लेने आया, साथ में कुर्सी लेके आया, बोला आप यहीं बैठिए हम लेके जाएंगे आपको। तो अलग अलग टाइप का इज्जत था बैंक में। हम मैनेजर के केबिन में घुसे तो बोला आप इस सीट पे नहीं, आप मेरी सीट में बैठिए, हम इधर बैठेंगे, आप बताइए करना आप क्यों आए हैं। मैंने बोला सर ये बच्चा आया था आप इसको मना कर दिए। बोला आपको हमको पता ही नहीं था ये आपसे बन के सीए, आपसे पढ़ के सीए बना है, पता होता तो सर डाउट होता क्या हमको? ऐसे बैंक वाला करते हैं इज्जत देने के लिए नहीं, चापलूसी करने के लिए। तो वो हमको, मैं बोला देखो ये अपना ही स्टूडेंट है, अच्छा लड़का है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की मैं गारंटी लेता हूं ये आपको पैसा चुका देगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हम तो है ही है ना। बोला ठीक है सर एक पेपर में साइन कर दीजिए आप है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको अब भी 50 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, बस आप साइन कर दीजिए आप है। मैं साइन कर दिया, बोला ठीक। अब मैंने ये गारंटी दे दी, हर्ष गायब नहीं होगा, गारंटी दी। अब ये गारंटी जब सुनना, मैंने गारंटी दी तो क्या मेरे ऊपर कोई एक ऑब्लिगेशन आया? बट ये ऑब्लिगेशन ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि आज मेरे को बैंक को कुछ चुकाने का लायबिलिटी, वो तो तब चुकाना पड़ेगा ना जब ये देने से मना, मतलब आज जो ऑब्लिगेशन है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में हर्ष पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। पक्का? मैं ईयर एंड पे गया, मेरा अकाउंटेंट बोला सर इस गारंटी का क्या करना है? मैं बोला यार हर्ष पेमेंट कर देगा, चिंता मत करो, कुछ करने का जरूरत नहीं है, स्टेक होल्डर को बताना है, तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करके बता दो कि हमने गारंटी दे रखी है ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। नेक्स्ट ईयर हर्ष का बहुत अच्छा साल गया, बिजनेस में बहुत पैसा कमाया, तो मेरे को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं वापस कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के आगे दिखाना प्रोसीड किया। थर्ड ईयर आया, अब ये लाइफ में बिजनेस के साथ कहीं और भी बिजी हो गया, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या है, पर्सनल परफॉर्मेंस में बिजनेस का परफॉर्मेंस मार खाने लग गया। अरे सुनो तो सही, तो बिजनेस का परफॉर्मेंस मार खाने लगा, तो थर्ड ईयर में बिजनेस में जोर का नुकसान हुआ, कुछ डेटर वेटर थे वो पैसा नहीं दिए, बिजनेस में नुकसान हुआ। अब बताओ मेरे को क्या लगेगा? सर डर लगना शुरू। मैंने असेसमेंट किया कि भैया हर्ष का एसेट लाइबिलिटी वगैरह एक बार देख ले, एसेट देख रहा हूं 500 करोड़, लाइबिलिटी भी 500-600 करोड़ के आसपास है। तो बोलिए क्या लग रहा है? सर हो सकता है आपको पेमेंट करना पड़े और ये पैसा चुकाना से फेल कर जाए, मतलब अब ना वो पॉसिबल की जगह प्रोबेबल हो गया कि भैया हो सकता है आपको पैसा देना। मैंने लायबिलिटी का असेसमेंट किया, मैंने बोला 50 लाख का लोन था, 30 लाख तक तो ये दे देगा, एज पर इज एसेट 20 लाख मेरे को देना पड़ सकता है, तो मैं प्रोविजन कितने का बना लूं? 20 लाख का प्रोविजन बना लिया। नेक्स्ट ईयर इतना पर्सनल परफॉर्मेंस में ये बिजी हो गया कि बिजनेस वाइज इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक को 50 लाख में 20 लाख पेमेंट कर पाया, 30 लाख पेमेंट नहीं किया। जैसे ही बैंक का 30 लाख रुपया डूबा ना, बैंक पता है क्या किया मेरे, अब वो मेरे पास चला के आया,
चेयर लेके फेंक के मारने के लिए। तो वो मेरे पास चला के आया कि सर आपने गारंटी दिया था ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, सर 50 लाख रुपया उनका लोन का अमाउंट था, 20 लाख रुपया उन्होंने पे किया, 30 लाख नहीं किया, अब आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ समय दो, पेमेंट कर देता हूं। अब ये क्या हो गया मेरे लिए? लायबिलिटी हो गया, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेरे को देना ही पड़ेगा और ये सर्टेन है देना पड़ेगा, यहां पे कोई प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्ड। तो ये कंटिन्यूअसली आपको असेस करना पड़ता है कि कंटिंजेंसी अभी भी कंटिंजेंसी है या वो सर्टेन की तरफ बढ़ रहा है। तो गारंटी अगर मैंने किसी के बिहाफ में दिया है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बट धीरे धीरे उसका आगे क्या करना है वो डिपेंड करता है उसका क्या कंडीशन है। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने हर्ष के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स पेबल। मैंने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ठीक, बिल डिस्काउंटिंग समझते हैं क्या होता है, बैंक को बिल देकर उसके अगेंस्ट मैंने बैंक से एडवांस ले लिया। बिल का मैच्योरिटी थोड़े दिन बाद आएगा, बीच में बैलेंस शीट डेट आ गया। अब बैलेंस शीट डेट के दिन ध्यान से सुनना, नॉर्मली वो बिल जो है, बिल जो मैंने डिस्काउंट कराया था, मेरे ऊपर ऐसे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पेमेंट मेरे को थोड़ी करना है, उसका पेमेंट कौन किसको करेगा? हर्ष बैंक को करेगा। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि अगर हर्ष पेमेंट करने से फेल करता है तो अविनाश आपको पैसा एक बार चुकाना पड़ेगा। आप बाद में हर्ष से लीजिएगा, बट एक बार आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। यानी ये बिल डिस्काउंट जो मैंने करवाया, ऐसे तो मेरा लायबिलिटी नहीं है, बट ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है अगर फ्यूचर में हर्ष पेमेंट करने से फेल हो जाए। तो ये जो बिल डिस्काउंट बैंक के साथ कराया, ये भी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और जिस दिन हर्ष पेमेंट कर देगा उस दिन तो कंटिंजेंसी खत्म। अगर हर्ष पेमेंट नहीं कर पाया तो पेमेंट हमको करना पड़ेगा, उस दिन ये बन जाएगा रियल लायबिलिटी। हाँ, उसके अगेंस्ट हम हर्ष से पैसा मांगेंगे, बट एक बार के लिए वो लायबिलिटी तो हमको ही चुकाना पड़ेगा। तो अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, अगर कोई गारंटी दिया है किसी के बिहाफ में, अगर कोई बिल डिस्काउंट करा रखा है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, ये सारे एग्जांपल्स है कंटिंजेंट लायबिलिटी के, जिन लायबिलिटीज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके दिखाते हैं। सर रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हो? सर प्रूडेंस बोल के रिकॉर्ड करना चाहिए ना, मैंने तुमको सिखाया था प्रूडेंस होना अच्छा है, एक्सेसिव प्रूडेंट होना अच्छा, 5 में 4 आएगा इज गुड, 5 में 2 आएगा हर क्वेश्चन में तो तुम पहले ही बोल दिया हम फेल है। तुम बोल ही रहा है 5 में 2 आएगा, मतलब 100 में 40 तो ऐसे ही हो गया, तेरा राइट है तो भी 2 आएगा, तो कुछ तो रॉन्ग करेगा, मतलब तुम पहले ही बोल रहे हैं हम फेल है। हम लोग एक्सेसिव प्रूडेंस नहीं होंगे, मतलब अगर कोई ऑब्लिगेशन दूर है उसको रिकॉर्ड आज करने का दरकार, बट अगर कोई ऑब्लिगेशन ऐसा है जिसमें 70-80% प्रोबेबिलिटी है देना पड़ेगा तो उसको मैं रिकॉर्ड, तो मैं प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करता हूं क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि मैं एक्सेसिव कंजर्वेटिव नहीं। बैलेंस होना चाहिए प्रूडेंस में भी, नहीं तो तुम हर चीज को लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करने लग जाओगे हमेशा, फिर वो भी सही इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को नहीं जाएगा, वो इंफॉर्मेशन भी स्टेक होल्डर के लिए सही नहीं है क्योंकि उसको लगेगा कि तुम लायबिलिटी में डूबे हुए हो जबकि वो लायबिलिटी फ्यूचर में मटेरियलाइज ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, लायबिलिटी ज्यादा बताने से अच्छी प्रेजेंटेशन होती है भाई, जो है वो बताने से ही अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। तो मैंने 3 वर्ड डिस्कस किया, लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, तीनों ही ऑब्लिगेशन से रिलेटेड वर्ड्स है। क्या ये तीनों वर्ड आपको क्लियर है? सर क्या प्रोविजन बनाए थे उसके बाद लगा नहीं होगा तो क्या वापस वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा? बिल्कुल, दोनों साइड मूव हो सकता है। मान ले मैंने प्रोविजन बनाया, इस साल लगा मैं हार जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर वापस मेरे फेवर में केस आ गया, अभी तक केस कंप्लीट नहीं हुआ बट मेरे को लगता है मैं नहीं हारूंगा, तो मैं एक बार प्रोविजन को रिवर्स कर सकता हूं ये बोल के कि अब इसका जरूरत, तो वो वापस कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज करूंगा, प्रोविजन को कंटिन्यू करने का दरकार नहीं है। लायबिलिटी को बोलो क्या करेंगे हम लोग, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, यस और नो? यस। प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे बट कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे उसको रिकॉर्ड, यानी बैलेंस शीट बनाते समय लायबिलिटी दिखेगा, प्रोविजन दिखेगा बट कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखेगा, वो नोट्स में डिस्क्लोज होगा। सर मान लो कोई ऐसा कंटिंजेंट लायबिलिटी में है जिसमें हम श्योर है नहीं आएगा, सर कंटिंजेंसी तो है बट वो नहीं आएगा, तो बोले डिस्क्लोज करने का भी दरकार नहीं है। हम लोग इसको बोलते हैं जब कंटिंजेंट लायबिलिटी के चांसेस रिमोट हो जाए, रिमोट मतलब
वर्ड वर्ड सुने हो, रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज मतलब दूर दराज। तो अगर किसी कंटिजेंसी का चांसेस बहुत रिमोट है तो उसको डिस्क्लोजर भी नहीं करना है। क्यों डरा रहे हो? तुम स्टेक होल्डर को वो बताओ ना जो आ सकता है, जो आ ही नहीं सकता उसका डिस्क्लोजर करने का दरकार नहीं है। ये हम लोगों को लाइबिलिटी के बारे में समझना पड़ेगा। कोई ऑब्लिगेशन क्या है उसको पहले पहचानना पड़ेगा, क्या वो लाइबिलिटी बनने लायक है, या उसका प्रोविजन बनाऊं, या उसको डिस्क्लोज करूं कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह। ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन हमेशा ऑब्लिगेशन में होना चाहिए। इन तीनों ही डिस्कशन में एक चीज बाहर है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन तीनों में ही नहीं आएगा। फ्यूचर ऑब्लिगेशन तीनों में ही नहीं आएगा। ना फ्यूचर ऑब्लिगेशन कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ना फ्यूचर ऑब्लिगेशन प्रोविजन है, ना फ्यूचर ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी है। तीनों में वर्ड प्रेजेंट है, पॉसिबल है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। अब ये स्टेक होल्डर को बता रहा है मेरे यहां 10 एम्प्लॉई काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, उनका साल का सैलरी 25 लाख होगा, अभी बता रहे हैं। अभी ये बताने का जरूरत नहीं, हो तो तेरा इस साल का पीएल भी देख रहा है कि इधर सैलरी दे रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, वो तेरे को अलग से बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। जब काम करेगा तब देना होगा ना, आज उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसी चीज बता जो नहीं पता हो, जो चीज ऑलरेडी पता है उसको बताने का वापस डिस्क्लोज करके दरकार नहीं है। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आर नेवर रिकॉर्डेड, नेवर डिस्क्लोज्ड। व्हाट इज डिस्क्लोज्ड इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। तो सर पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्यूचर नहीं हुआ क्या? नहीं। गारंटी, क्या मैंने आज दे दिया तो गारंटी का ऑब्लिगेशन भी तो आज ही आ गया मेरे सर पे। अब पैसा देना है कि नहीं देना वो डिपेंड करेगा किसी और चीज पर, बट ऑब्लिगेशन तो एग्जिस्ट करता है। मान ले आज ही वो फेल हो जाए तो क्या मेरे को आज ही पैसा देना पड़ सकता है? बिल्कुल देना पड़ सकता है। तो गारंटी इज नॉट अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इट इज अ प्रेजेंट या पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्लियर है वर्ड्स? तीनों चीज के बारे में क्लैरिटी है। ये सब चीजें जब आएंगी तब आपको केस स्टडीज में आंसर करना होगा। ये सब चीज एग्जाम में ना ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा, केस स्टडी बना के देगा, एक सिनेरियो देगा। एक बिजनेस एंटिटी है, ऐसा ऐसा हुआ है, ये एग्जिस्ट करता है। अब आप बताइए बिजनेस एंटिटी को कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर या काम करना चाहिए। तो आपको प्रॉपरली वहां पर लिख के बताना होगा कि यहां लाइबिलिटी आएगा, प्रोविजन आएगा या कंटिंजेंट लाइबिलिटी आएगा। बोलो, वैल्यू कर सकते हैं आप। जैसे आपको लग रहा है 15 लाख का आएगा तो आप 15 लाख वैल्यू करके लिख दीजिए ना। अगर आपको लगता है, आपको लग रहा है इतना आएगा, जैसे तेरे केस में फॉर एग्जाम्पल, तुम आज गारंटी, तेरे बिहाफ में मैंने गारंटी दिया, तो आज के दिन मैं ये नहीं पता कर पाऊंगा तुम फेल होगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो लिखने का दरकार नहीं है। और हम सिर्फ ये लिखेंगे गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, द अमाउंट ऑफ गारंटी इज इतना। अब आएगा कितना, एक्चुअल कितना पेमेंट होगा वो तो आज मेरे को सर्टेन ही, और वो बहुत दूर है, वो तब होगा जब तेरा कंडीशन खराब होगा, तब हम असेसमेंट करेंगे कितना देना पड़ सकता है। आज के हिसाब से तो जीरो देना पड़ेगा। नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर बहुत ज्यादा है तो एक कंपनी पे शक, या कंपनी पे मैं बोलूंगा एक रिस्क जैसा फील आएगा कि भाई इतना लाइबिलिटी और एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम दी लाइबिलिटी देयर आर शोन इन बैलेंस शीट, और अगर इनका चांस ऐसा ऐसा हो तो मेरे को लग रहा है कंपनी का भट्टा बैठ सकता है, रिस्क है। इसीलिए तो डिस्क्लोजर करने बोला गया कि तेरे ऊपर कोई और ऑब्लिगेशन आ सकता है ये बता दे, इसीलिए तो डिस्क्लोजर किया गया। ऑनलाइन में देखो ना, एक बच्चे का एक बहुत अच्छा, वो बच्चा बोल रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्रश, प्रोविजन बनाएंगे जब जीएफ बन जाए, और लायबिलिटी मींस वाइफ। छी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ये सब मत बोलो। मैं ये थॉट को एंडोर्स नहीं करता हूं। क्या बच्चे का एक क्वेश्चन है, सर फिर एक तरीके से तो वारंटी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होना चाहिए, वारंटी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होना चाहिए। मैंने तो ऐसा बोला नहीं वारंटी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं हो सकता। मैंने देख पहला डेफिनेशन कंटिंजेंट लायबिलिटी का कहां से शुरू किया, अगर कोई चीज जिसका प्रोविजन बनाना हो
उसमें तुम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि आएगा या नहीं और कितना आएगा, तो मैंने बोला ना क्या बोल के डिस्क्लोज कर दे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। बट अगर तेरे को लगता है भाई 10 भी आएगा इतना रुपया देना पड़ेगा, तो तेरे को उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। एस्टिमेट हो पाए तो तू बना ले, एस्टिमेट नहीं हो पाए तो मत बना। अगर तेरे को लग रहा है प्रोबेबल है, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता जो डिफेक्ट लेस हो, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आएगा ही सर, और हमको देना, तो बना ले अगर तू एस्टिमेट कर पा रहा है। अगर तेरे को लग रहा है सर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, समझ नहीं पा रहे, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकता है। जनरली वो मैंने बोला ना इनिशियल ईयर्स में होता है जब एस्टिमेशन हम कर नहीं पा रहा है। बच्चे का क्वेश्चन, सर प्लेन वाला एग्जाम्पल में प्रोविजन नहीं बनेगा? वापस प्लेन वाले एग्जाम्पल में वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन था, इसीलिए ना वहां पे प्रोविजन बनेगा, ना वहां पे कंटिंजेंट लायबिलिटी आएगा, ना वहां पे लायबिलिटी आएगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग कोई भी चीज डिस्क्लोज या रिकॉर्ड नहीं करते। डन बात, क्लियर? ये तीनों वर्ड अगर क्लियर हो गया ना, तो एक ऑब्लिगेशन का अच्छा आइडिया तुमको लग जाना चाहिए कैसे काम होगा। लायबिलिटी का अकाउंटिंग तुम सब लोगों को आता है, सब लोगों को आता है। प्रोविजन का अकाउंटिंग तुमको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, वो मैं एक एग्जाम्पल लेके सिखा दूंगा। बट बिफोर आई गो टू अकाउंटिंग कुछ बातें बोल दूं। जैसे एक बात हम लोगों को सीखना चाहिए, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि लायबिलिटी को हम लोग बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। दो चीज है, दो पॉइंट है। नंबर वन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। नंबर टू, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए कि भैया आउटफ्लो करना पड़ेगा। अगर आउटफ्लो ही नहीं करना पड़ेगा तो लायबिलिटी दिखाने का कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मान लो साले की दुकान है, साला गाली नहीं है, साला मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ क्या, हाँ जो भी, हाँ ब्रदर इन लॉ, ठीक है जो भी, हम किसी के साले ना हो जाए, अरे मतलब एग्जाम्पल गलत ना हो जाए, वो बोले हम ब्रदर इन लॉ, मतलब अगर हम साले हो गए तो वो नहीं, मतलब मेरा साला कौन होगा, मेरा ब्रदर इन लॉ, तो मतलब वो ब्रदर है बट लॉ में रियल नहीं है। हम भी अपने साले के ब्रदर इन लॉ ही हुए, मतलब दोनों सेम सेम बोलता है। एक सेकेंड, कंफ्यूजन है, सिखाओ। एक सेकेंड भैया दीदी लोग, आप लोगों में से किसी का शादी नहीं हुआ है, आपका कोई साला नहीं है, आप कंफ्यूज ना होए, हम आशीर्वाद देते हैं आपकी तीन तीन सालियां होंगी। आप सुनो, लड़का लोगों को देखो, मजा आए। आप सुनो, हमको कंफ्यूजन है, साल जीजे को साला, जीजा साले को क्या बोलेगा और साला जीजे को क्या बोलेगा इन इंग्लिश, दोनों ब्रदर इन लॉ बोलेगा, ठीक है। सेम ही है, ठीक है, बुआ और मासी है, ठीक है। सुनो ना, हाँ हाँ सुनो, ए हाँ ए सब सीख, अभी अभी तुमको मजाक लग रहा है, हाँ कि साला बोल के काम चलाएगा ना, तो तेरे को बहुत गाली पड़ेगा। तेरा साला एक बार हो सकता है तुम ऐसे दिया, ए साला इधर आ, तेरे को साला घूम के मार दिया, बोला साला कैसे बोला, फिर देखा जीजा था। ध्यान से, ऐसे साला थोड़ी बोलेंगे, नाम से पुकारेंगे, ठीक ठीक है। एक बार के लिए अपने इसको कंफ्यूजन को साइड रखते हैं, मैं तेरे से सीखूंगा क्लास के बाद। हाँ ठीक है, ठीक है, डन, अपने इस पे आएंगे। एसएम रिमिक्सिंग जोन बंद कर दो। हाँ अब सुन, अरे हम एलआर पढ़े नहीं। मेरे साले के दुकान से मैंने गुड्स परचेस किया, मान ले मेरे साले का परफ्यूम का दुकान है, एक मैं एक दिन गया दुकान में, तीन चार परफ्यूम पसंद आया, 10,000 रुपए का परफ्यूम खरीद लिया। अब सुन, अगर मैंने परफ्यूम खरीद लिया तो क्या मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया? उस समय पैसा नहीं दिया, पॉकेट में था नहीं। अब घर आके साले को दे रहे तो बोला क्या जीजा जी छोड़िए ना, ऐसा होता ना,
तो साला यहां पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट आउटफ्लो प्रोबेबल, तो मेरे को कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने का दरकार? सर आप मतलब मन से मान ही लिए नहीं देंगे, हाँ दो तीन बार पूछेंगे फिर नहीं देंगे, और क्या होता है, यही तो होता है, ले 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 ले, नहीं लेगा ठीक है चल छोड़। और फिर लास्ट में एक बात भी बोलता है, कभी तुम मेरे यहां आएगा तो हम तेरे को दिला देगा, ऐसा बोलते हैं ना। वो सुंदर और जेठालाल का रिश्ता है थोड़ा। मतलब वही वैसा ही रिश्ता है, वहां पे जीजा को लूट रहा है, साला को लूट रहे। तो अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है दो कंडीशन पहले ध्यान रखना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और आउटफ्लो प्रोबेबल है। अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, आउटफ्लो सर्टेन नहीं है, आउटफ्लो अनसर्टेन है, नहीं होगा, कम होगा या नहीं देना पड़ेगा, तो हम लोग कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड। तीसरा, उसका वैल्यू हम मेजर कर पाए। अगर वैल्यू नहीं मेजर कर पाएंगे तो आप रिकॉर्ड किस वैल्यू पर करेंगे? तो तीन कंडीशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो प्रोबेबल है, एंड नंबर थ्री उसका वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं ताकि हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सके, नहीं तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड। जैसे एसेट को रिकॉर्ड करने का दो क्राइटेरिया था, पहला क्राइटेरिया प्रोबेबल है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, नंबर टू मैं उसका कॉस्ट मेजर कर पा रहा हूं। वैसे ही लाइबिलिटी मेजर, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने से पहले तीन चीज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में आउटफ्लो प्रोबेबल है, एंड तीसरा उसका वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही मैं लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर? लाइबिलिटी का अकाउंटिंग रूल, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी का बढ़ना सिग्निफाइज क्रेडिट, लाइबिलिटी कम करना है डेबिट करेंगे, एसेट का उल्टा। एसेट का कल अकाउंटिंग रूल सिखाया था, एसेट जब बढ़ेगा डेबिट करेंगे, एसेट को कम करना है क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी एकदम उल्टा, लाइबिलिटी को बढ़ाना है क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी कम करना है डेबिट करेंगे। अब जब भी अकाउंटिंग करेंगे ना, जर्नल याद करने का दरकार नहीं है, खाली बेसिक रूल, जैसे तेरे को एक बार याद दिला रहा हूं कल की तरह। मान ले मैं एक क्रेडिटर अकाउंट बना रहा हूं, क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, मैंने क्रेडिटर से गुड्स खरीदा, लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट, क्रेडिटर को पेमेंट किया लाइबिलिटी कम होगा डेबिट, क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया लाइबिलिटी कम होगा डेबिट, क्रेडिटर का बिल एक्सेप्ट किया लाइबिलिटी कम होगा डेबिट, क्रेडिटर का बिल डिसऑनर कर दिया लाइबिलिटी बढ़ जाएगा क्रेडिट। एकदम सिंपल, यही थॉट प्रोसेस से चलना है। लोन लाइबिलिटी है क्या? लोन लिया क्रेडिट, लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट, लोन का रीपेमेंट किया डेबिट, लोन वेव ऑफ हो गया डेबिट क्योंकि लाइबिलिटी कम हुआ। तो सिंपल इसी तरीके से हम हमेशा लेजर अकाउंट बनाएंगे लाइबिलिटी का। मतलब हम लोगों को जर्नल एंट्री याद करने का दरकार, हमारा लेजर का बेसिक नॉलेज हमको बताएगा हमको उसका अकाउंटिंग क्या करना है। सर जैसे एसेट्स का क्लासिफिकेशन था, बहुत सारा क्लासिफिकेशन आप सिखाए थे, लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन कुछ बताइए। लाइबिलिटी में जनरली लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, एक तो तरीका हो गया नॉन करंट करंट, जिन लाइबिलिटी का पेमेंट नियर फ्यूचर में करना है करंट लाइबिलिटी, जिन लाइबिलिटी का पेमेंट 12 महीने के बाद करना है नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे नॉर्मली क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, लोन लिया जिसका पेमेंट 3 साल बाद करना है नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर इश्यू किया पेमेंट 5 साल बाद करना है नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहला क्लासिफिकेशन करंट नॉन करंट कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, वैसे सारा लायबिलिटी मॉनिटरी होता है, मॉनिटरी लायबिलिटी एक्सेप्ट प्रोविजन जहां पे हमको अमाउंट आज के दिन पता, लाइबिलिटीज आर मॉनिटरी बिकॉज नंबर वन उनको पेमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड नंबर टू कितना अमाउंट करना है वो भी हमको पता है। तो जनरली लाइबिलिटीज आर मॉनिटरी इन नेचर। हाँ अगर कोई लाइबिलिटी ऐसा है जो अनसर्टेन अमाउंट में फ्यूचर में पेमेंट होगा, शेयर्स देके पेमेंट करना है वगैरह पेमेंट करना है, तो वो फिर नॉन मॉनिटरी कैटेगरी में आ जाएगा, अदरवाइज लाइबिलिटीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज मॉनिटरी इन नेचर। तो जो एसेट का इतना बड़ा क्लासिफिकेशन था ना, लाइबिलिटी में क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, नॉन करंट करंट बेसिक सीख गए बात कंप्लीट, सारा लाइबिलिटी का नेचर एक जैसा ही होता है। डन है बात? सर ओनर को अगर कोई पैसा देना है तो
वो फिर लाइबिलिटी नहीं मानते, उसको हम लोग एक अलग सेग्रीगेशन करते हैं इक्विटी। सर क्यों अलग सेग्रीगेशन करते हैं? सर हम लोग तो बचपन में सेपरेट एंटिटी पढ़े थे कि ओनर और बिजनेस एक नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ओनर अलग है। तो सर अगर ओनर अलग है तो उसको भी मानिए ना आउटसाइडर और उसको भी लाइबिलिटी बोलिए। ओनर को जो पैसा चुकाना है और दूसरों को जो पैसा चुकाना है उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो मैं जब मैं इक्विटी डिस्कस करूंगा तब मैं बताता हूं। तो ओनर को जो हमको पेमेंट्स करने हैं वो हम लोग इक्विटी बोल के कैपिटल बोल के दिखाते हैं, वो हम लोग लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? 10 मिनट बाद तुमको समझ में आ जाएगा। ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं आपको? लिखें। एक बच्चे का अभी ऐसे ही आया था, बच्चा बोल रहा है सर अकाउंट्स में थ्योरी ना बोर हो रहा है, नींद आ रहा है। तुमको एक सच बात बोल देता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, 100 से 115 क्लास तुम्हारे साथ हूं मैं, 80 क्लास थ्योरी होगा भाई। साला सिलेबस ही ऐसा बना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रूल्स लॉज रिलेटेड टू अकाउंटिंग। और अगर लॉ पढ़ोगे, जैसे लॉ के क्लास में तुमको ऐसा यार लॉ इतना सारा थ्योरी एक साथ चल रहा है, हम लोगों को भी वही करना है। और ये चीज ट्रू है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब स्टैमिना बढ़ा लीजिए। और सुन, सबसे बड़ा बात तो यह होता है, डिस्कशन थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। थ्योरी उसको बोलते हैं जिसको मगअप करके वैसे ही वैसे लिखना पड़ेगा, अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। तुमको जितनी बातें मैंने बोली एक भी बात ऐसा लर्न नहीं करना है, खाली पता होना चाहिए क्या चीज क्या है। अगर इसको तुम थ्योरी समझ रहे हो तो भैया थ्योरी ही थ्योरी है फिर अकाउंट्स। बचपन में जो मेरे से पढ़ते हो तो चिल्लो, उनको तो पता है क्या है। जो मेरे से फाउंडेशन नहीं पढ़े उनके साथ ऐसा होता होगा कि आप कोई चैप्टर चालू करते हैं तो पहला बात ही सम से शुरू होता है। हमारे यहां 3 क्लास तो सम से नहीं होता है, कॉपी ही नहीं लाना पड़ता 3 क्लास। कोई भी चैप्टर शुरू होगा पहला 3 क्लास सिर्फ ज्ञान देंगे। 3 क्लास जब तुमको ज्ञान एकदम समझ में आ जाएगा 14 क्लास से सम्स खुद बना लो। दिस इज बिकॉज वी वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड वी डोंट वॉन्ट यू टू ओनली कि तुम सिर्फ सम्स बना पाओ। क्योंकि सम्स बनाने का अगर एटीट्यूड रखेंगे ना तो जो कल क्लास में कराया वही एग्जाम में कर पाओगे। अगर एग्जाम में एक भी नया सम आ गया आप नहीं कर पाओगे। चैलेंज के साथ अगर तुमने कहीं तुम ऐसा पढ़ रहे हो जहां पे तुमको लग रहा है कि यार मजा सम्स हो रहा है क्लास कब खत्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तो वहां तुम जिस दिन एग्जाम दोगे ना उसके बाद मेरे को आके बोलोगे सर ये एग्जाम खराब गया बाद बाकी सब अच्छा गया। रीजन इतना ही है, खाली जब सम्स की धुरी पर घूमोगे ना तो उतना ही सीख पाओगे जितना उस सम में लिखा है। बट वही नॉलेज की धुरी में घूमोगे तो सम में कुछ हो या नहीं हो तुमको पता है उसका करना क्या है। एंड अब जो अकाउंट्स का सिलेबस है इंटर लेवल में, इट्स ओनली डिस्कशन, इट इज नथिंग एल्स। हम लोग सम्स बनाएंगे, धीरे धीरे बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, फिर सम्स बनाएंगे डिस्कस करेंगे। बेसिक्स में क्या सम्स यार, यहां तो तेरे को डिस्कशन ही करना है, क्योंकि बचपन में ये सब सीखा हुआ अच्छे से नहीं होगा इसीलिए एक बार बोल देते। अदरवाइज अगर मेरा ऐसा ही हो कि मेरा ही फाउंडेशन पढ़ा हुआ सिर्फ मेरे क्लास में बैठे तो मैं ये सब वापस नहीं पढ़ाता, क्योंकि ऑलरेडी हर एक चीज सेम लेवल पे फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ है, पूरा एक बुक बना हुआ है जिसमें यही सारा डेफिनेशन प्रॉपरली लिखाया हुआ है। हमको कुछ नहीं पढ़ाना पड़े। बट क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ वो बच्चे नहीं है, दूसरे भी हैं, हो सकता है कि इन्होंने ये सब पढ़ाई नहीं हो, वो सीधा चैप्टर से शुरू किए हो, तो हम लोगों को इन सब चीजों को इज्जत देना पड़ता है। और इसका इज्जत तुमको समझ में आएगा जब एएस पढ़ोगे, तुमको ऐसा लगेगा लॉजिक तो पहले ही पता था ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिक का, जब मैं एएस में जाके बोलूं देख एएस ये बोलता है तो तेरे को ये हिट होना चाहिए हाँ ये लॉजिकली करेक्ट है। लॉजिकली करेक्ट जिस दिन लगने लग गया ना उस दिन तेरे को लर्न करने का चाप ही खत्म हो जाएगा। और जब लॉजिकली करेक्ट फील नहीं होगा ना वो सब चीज लर्न करना पड़ेगा, यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है चल याद कर ले ऐसे करना है। तो हमारे लॉजिक में बैठने के लिए पहले मेरे को ये सब वर्ड्स तो तुमको बताना पड़ेगा। अब तुमको कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, रीवैल्यूएशन लोअर करना, ये तुमको अब डर खराब नहीं लगेगा क्योंकि तुम सीख चुके हो कि हमको प्रूडेंट रह के बात करना है। बट वही चीज अगर मैं सिर्फ एएस में जाता और बोलता देख एएस बोल रहा है अगर वैल्यू कम करना हो ना ये कर देना, तो तुम बोलते ठीक है सर कर देंगे याद कर लेते, कितने दिन याद रहेगा। और अगर कोई नया चीज आ गया जहां पे बोला ऐसे करना है तो तुम क्या कैसे सोचोगे क्या करना है। सो प्लीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जहां पे सिर्फ सम्स बनाना हो।
यहां पे ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे समझ के सम्स बनाना है, और जिस दिन सम्स आना शुरू होगा ना, उस दिन ये होना चाहिए कि भैया आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, हम लोग बनाएंगे। अगर तुम ये मेरे को जिस दिन से बोलना शुरू कर देंगे, सर आप मत बनाइए हम बनाएंगे, उस दिन हम समझ जाएंगे मेरे क्लास का हर बच्चा पास हो जाएगा। सम्स तुमको बनाना है क्योंकि एग्जाम तुमको देना है, ज्ञान हमको देना है ताकि तुम वो सम्स बना सको। हमको भी मजा नहीं आता 115 क्लास पढ़ा के, तुमको जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना जल्दी नया बैच, नया पैसा, नया कमाई। और सच बोल रहे हैं, नया कमाई मतलब अच्छा कमाई, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट कमाई, इट्स अबाउट जो यहां से जाए वो ये फील करे कि उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन भी हुआ है, वो अब बात करता है तो ही और शी मेक्स सेंस। अगर तुम ऐसे ही चले गए ना तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। और तुमको पढ़ाने में दो एंगल होते हैं, एक तो सब्जेक्ट समझाना और एक तुमको जीना सिखाना। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइफ का गोल ही क्लियर नहीं है क्या करना है, धीरे धीरे बात करते करते तुमको समझ में आएगा कि लाइफ में गोल होना जरूरी है और गोल हमारा क्या होना चाहिए वो भी समझाएंगे। तो थोड़ा सा ना बियर करना पड़ेगा इन सब चीजों से, और बेसिक्स पढ़ा रहे हैं तो फील प्रिविलेज्ड कि तुमको कोई वो चीज पढ़ा रहा है, वो चीज पढ़ा रहा है जो दूसरे बोलते हैं पढ़ने का जरकार ही नहीं है। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर मी टाइम वेस्ट। बट ये टाइम वेस्ट का आज नहीं समझ में आएगा, 10-20 क्लास जाने तो फिर समझ में आएगा वो टाइम वेस्ट कितना जरूरी था। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तब पता नहीं चलता कितना बड़ा होने वाला है ये। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मेरा इंटर और फाइनल में तो रैंक था, मेरा सीए इंटर में रैंक नहीं था, सीए फाइनल में रैंक था, सीएस इंटर और फाइनल में मेरा रैंक था, और मेरे रैंक ज्यादा अच्छे नहीं थे, 1, 3 और 5। और रैंक में छोटा डिजिट अच्छा होता है, ठीक है। अभी मेरे को लास्ट बैच वाला लोग एक वर्ड सिखा के गया है, फ्लेक्स कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ बच्चे हमको पहले समझ में नहीं आता था फ्लेक्स, एक दिन वो जब बच्चा बोला फ्लेक्स कर रहे हैं, हमको लगा हम एक तो फ्लेक्स लगवाए हैं उधर हिंद मोटर में, उसका बात कर रहा है सर आप फ्लेक्स लगवाए हैं। हाँ, फ्लेक्स मतलब हमको उसके, हमको ओपी वर्ड बोलता था एक तो बच्चा, हमको पहले लगता था आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एंड आई डोंट लाई, क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा होता था बोलता ओपी, तो हमको लगा कुछ अच्छा किया इसीलिए ओपी बोल रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है भाई। हाँ तो अबे मतलब तो मतलब जो भी ओवर पावर्ड, मतलब तुम जो किए वो दूसरे नहीं कर पा रहे, काइंड ओवर पावर्ड, गजब आदमी है, ठीक है। बच्चे का एक क्वेश्चन है, सर इंटर फाइनल में आप रैंक लाए, आप लोग कैसे पढ़ते थे? तुम्हारे और हमारे में एक बेसिक फर्क बता दूं, तुम बहुत टेंशन लेते हो, हमारे जीवन में टेंशन नहीं था। हाँ, तुम बहुत टेंशन नहीं लेते हो, एग्जाम में एक महीना बचने दो तुम्हारा ऐसे हाथ धुजेगा, भैया क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, मैरिज के बारे में कभी और बात करेंगे, अभी यूट्यूब पे चल रहा है क्लास, ठीक है। सुनो ना, रैंक लाने के लिए इंसान के अंदर सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए हार्ड वर्क। कितना खट सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, हम कितना खटे हैं वो बस हम इतना ही सही बात से बोल सकते हैं। मई 2012 में मेरा सीए इंटर का एग्जाम था, उसमें मैंने लॉ में स्कोर किया था 100 में 42, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, थोड़ा सा कम होते ही फेल हो जाते। मेरा प्रैक्टिकल का मार्क्स पूछना मत, वो बहुत हाई था, लॉ में 42। और उसी के 1-1.5 साल बाद मैं सीएस एग्जीक्यूटिव दिया, जो पूरा लॉ का एग्जाम होता, उसमें मैंने रैंक स्कोर किया ऑल इंडिया रैंक 1। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम 42 टू ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीएस, विच इज रियली वेरी, आज के दिन अगर कोई बच्चा सीएस कर रहा है उससे पूछोगे ना रैंक 1 किसको बोलते, बोलते पास हो जाए भाई हम, इट्स दैट टफ टूडे। और हमारे टाइम में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो चुका था, सीजे टफ हो चुकी थी। तो वो जो ट्रांजिशन 1.5 साल में मैंने किया, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, और मेहनत सिर्फ क्लास जाकर पढ़ाई करके नहीं, अपने आप को उस लेवल पे ग्रूम करने का जहां पे मैंने शुरू किया बेयर एक्ट से लॉ पढ़ना,
जहां पे मैंने शुरू किया खुद को लॉ समझाना, जहां पे मैंने शुरू किया केस स्टडीज देखना, और उसके बाद मैंने वहां से वहां तक का जंप लिया। फिर सीएस एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट आने के बाद एक साल के बाद मेरा सीएस फाइनल का एग्जाम था, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 3। फिर एक साल बाद मेरा सीए फाइनल का एग्जाम था, उसमें ऑल इंडिया रैंक, उसमें 5 था, इसमें 3 था। तो ये जो 153 है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वालिटी विच इज हार्ड वर्क। तुमको अपने करियर के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है जो ये बोलता है कि मैं सीए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को और कुछ मिल नहीं रहा था करने के लिए, या मेरा भैया बोला, मेरा दीदी बोला, मेरा ये बोला, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा रैंक नहीं ला सकता। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंपल इक्वेशन है, हार्ड वर्क प्लस इंटेलिजेंस बहुत दूर तक जाएगा, मतलब उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। हार्ड वर्क विदाउट इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है वो भूखा मरेगा। इंटेलिजेंस विदाउट हार्ड वर्क एरोगेंस कहीं नहीं लेके जाएगा, यहीं रह जाओगे जिंदगी भर। हम बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट थोड़े थे। इंटेलिजेंट का कोई मापदंड नहीं होता ना। मेरे सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन को रख दोगे तो हम तो सी ए बी सी डी लगेंगे तुमको कि क्या है ये भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप एक कंपैरिजन समझो, ये रिलेटिव कंपैरिजन है। तो इंटेलिजेंस का कोई लिमिट नहीं होता, बट उस समय के बच्चों का जैसा इंटेलिजेंस था, मैं उनसे थोड़ा ज्यादा पका हुआ था हर तरीके से। तो ये जो मैक्सिमम चीजें हैं सारी हार्डवर्क के कारण। अभी भी मेहनत ना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, ये सबसे बड़ा। मेरा बैच, मैं बहुत फेमस हूं इस सीए की इंडस्ट्री में पढ़ाने के लिए, इस बात के लिए कि अविनाश संचेती का बैच सबसे लास्ट में खत्म होता है। फेमस मतलब लोग उल्टा बोलते कि यार ये बहुत पढ़ाता है मत लो। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है और मैं उसको सही से पढ़ा के नहीं भेज रहा हूं और उसके कारण वो कहीं लाइफ में अटक गया, तो उस बच्चे का जितना बद्दुआ मेरे को लगेगा ना, हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वही मैंने अपना कर्म सारा अच्छा किया, वो पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे मेरे को बद्दुआ नहीं मिलेगा। बट मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने उसको ऐसा ज्ञान दिया जो बहुत गलत था और वो जाके लाइफ में अटक गया, तो वो कभी मेरे लिए अच्छे वर्ड्स बोल ही नहीं पाएगा। सो 10 दिन ज्यादा लगे सो लगे, बट जब बच्चा पढ़ के जाए ना, वो यही बोलना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट में तो मेरे को कोई फेल नहीं कर सकता। अगर मैंने तुमको पढ़ाया और फिर भी तुमको लगे भैया अकाउंट्स में पास होंगे कि नहीं पता नहीं, तो मेरा पढ़ाना वेस्ट है। तो सबसे पहला चीज हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ आता है कि भाई डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, तुमको फोकस्ड रहना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो लोग नहीं सोच रहे हैं वो तुमको सोचना पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने तुमको पहली क्लास में एक चीज समझाया था, मैं जो क्लास में जितनी भी बातें करूंगा, अगर तुम उसको घर जाके अपनी लैंग्वेज में अपने आप को समझा लोगे, तो जिंदगी भर तुमको बुक खोलने का दरकार नहीं पड़ेगा। और ये मैंने यहां बोला, तुम घर जाके बुक बंद कर दिए, नेक्स्ट क्लास में वैसे ही मुंह धोके वापस आ गए, तुम जिंदगी भर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे अपनी स्टडीज में। आज हमने इतना कुछ, मैं इतनी सारी बातें बोला, तुमको तो बैठे बैठे सुनना ही है, बड़बड़ तो मैं कर रहा हूं, तो मैं इतनी सारी बातें बोला। अगर कोई बच्चा जाके आज ही घर में 10 मिनट सोचे ना, साला आज अकाउंट्स में हम लोग कितना चीज पढ़े, तो तुम देखोगे वो चीजें हमेशा तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी कि ये प्रोविजन ही होगा, ये लाइबिलिटी होगा, ये कंटिजेंट होगा। बट वही चीज अगर कोई घर जाके सोचता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, तो उस बच्चे को कभी भी वो अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना दूसरे लोगों से अलग बनिए। दूसरे लोग अभी क्या करेंगे पता है, क्लास कर करके क्लास को जमा करेंगे, भाई अभी क्लास करना है। तुम सुनोगे अपना दोस्त से, भाई मेरा डीटी में 4 चैप्टर हो गया, मेरा आईडीटी में 2 हो गया, लॉ तो भाई खत्म है। एक महीने में सुनना शुरू कर दोगे तुम, और तुम डरने लग जाओगे, भैया हम लोग का क्या होगा, उन लोग का तो हो गया। अबे डर मत, वो सिर्फ क्लास कंप्लीट किया है, क्लास कंप्लीट करने से पास नहीं होता इंसान। यहां बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में फाउंडेशन लिए होंगे, और हो सकता है 2-3 टर्म उनको लग गया हो पास होने में। इट वॉज ओनली बिकॉज गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में तुम सिर्फ क्लास कंप्लीट किए थे, तुमने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव का अलग लेवल ऑफ फोकस होना चाहिए इंसान का, तभी उसको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेना चाहिए, नहीं तो उसको नहीं लेना चाहिए।
लाइव एट होम तो भी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि वहां पे सर 2 बजे से 4 बजे तक आएंगे तो मेरे को 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा, इसके बाद सर लाइव नहीं दिखेंगे, सर डाउट नहीं देखेंगे। बट जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव करता है ना, वो बच्चा तो भैया अपने पेस पे ही चल रहा है, सेल्फ पेस्ट को सेल्फ पेस्ट बना लिया है। यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू डोंट थिंक व्हाट आई एम सेइंग एट होम, इफ यू डोंट पुट योर माइंड ऑन इट, यू विल नेवर बी एबल टू डू समथिंग बेटर देन अदर्स। बाद बाकी एग्जाम से पहले तो सब पढ़ाई करेंगे, कोई ऐसा है जो एग्जाम से पहले बिना पढ़े जाएगा? नहीं। तो उस समय अगर सब पढ़ रहे हो और तुम भी उसी समय पढ़ रहे हो तो तुम एक्स्ट्रा कैसे लेके आओगे? तुमको तो कुछ तो एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तुम्हारा एक्स्ट्रा शुरू होता है डे 1 से, कि भैया हम डे 1 से ही पढ़ाई चालू कर देंगे। अभी अगर कम कम पढ़ाई हो रहा है तो कम कम ही करेंगे, जैसे जैसे बढ़ने लगेगा अपने भी अपना आवर्स बढ़ाएंगे। रैंकर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। उनको ऐसा होता है कि फर्स्ट डे से ही चुल रहता है कि नहीं पढ़ना है हमको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज सेल्फ बिलीफ। सीए करने के बाद पता नहीं लोगों का ऐसा क्यों हो गया, लोग अपने में बिलीफ ही नहीं करते। मेरे को अपने अंदर बिलीफ, मेरे को क्या साला, मेरा गांव को बिलीफ था। मतलब मैं तुमको ऐसा एक स्टोरी सुनाता हूं, तुमको ऐसा लगेगा साला कैसे हो सकता है सर ये। सीएस में ऑल इंडिया रैंक 1, सीएस में ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया। सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा हूं, सेप्टेंबर 2015, उस समय का कोई टाइम होगा, एक लड़के का अचानक से मेरे पास फोन आया। वो मेरे साथ क्लास 11-12 में लॉरेंस में पढ़ा हुआ था। वो फोन तो इनिशियली यही बोल के किया कि भाई मैं भी सीएस एग्जाम दे रहा हूं, तेरा ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है, बता दे कैसे पढ़ना है ताकि मैं भी ले आऊं। वो भी ऑल इंडिया रैंक 3 लेके आया, फिर बहुत अच्छा लड़का है वो भी। फोन हुआ, बात हुआ, मैंने समझा दिया। फिर वो एक बात मेरे को ऐसा बोला कि हमको लगा कि साला मेरे घर वाले से ज्यादा बिलीव तो बाहर वाले के पास है। हम लोग के टाइम एक बहुत बहुत अच्छा पढ़ने का लड़का था, आज वो IAS है, IAS, वो हम लोग से बहुत ज्यादा है, हम कुछ नहीं है। और वो बहुत तेज था पढ़ने में, वो हमेशा फर्स्ट आता था, हम उसके आसपास भी नहीं थे। वो लड़का उसका दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे को बोला एक बात, अविनाश एक मन का बात है बोलना है। मैं बोला बोल। बोला उस लड़के को एक ही आदमी सीए की जर्नी में पीछे कर सकता है, वो है अविनाश संचेती, एंड आई वॉन्ट टू सी यू बिफोर हिम इन द रिस्क ऑफ लिस्ट ऑफ रैंक होल्डर्स। उसका बेस्ट फ्रेंड मेरे से 2-3 साल में एक बार बात किया है, पहली बार फोन आया है मेरे पास, मैं फोन में बात भी नहीं किया कभी। वो मेरे को ये बोल रहा है, मैं चाहता हूं एक बार ही सही, फाइनल एग्जाम है, लास्ट एग्जाम तेरा भी उसके भी लाइफ का, तो उसको बीट कर दे। मैं 11 में भी 12 में भी मैं सेकंड आया, फर्स्ट वही आया था। कॉलेज में मेरा कोई रैंक नहीं था क्योंकि कॉलेज हम कभी पढ़ने के लिए गए ही नहीं। वो कॉलेज में 3 साल टॉप किया जेवियर्स, और आज भी जेवियर्स में उसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स। आज वो IAS है, मतलब सोच रहे हैं पढ़ने में कितना तेज होगा, हम लोग तो क्या ही है, वो पढ़ने में कितना तेज होगा। IAS बंदा मतलब तेज है पढ़ने में, पढ़ाई का उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। बट वो हमको बोला भाई हम चाहते हैं तुम बीट कर दो। जिस दिन रिजल्ट आया सुबह सुबह 9 बजे मेरे पास प्रेसिडेंट का फोन आया, प्रेसिडेंट इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ICAI। अब प्रेसिडेंट बोलते लोगों, अभी भाई इंडिया का प्रेसिडेंट फोन करता भाई। प्रेसिडेंट ICAI ने मेरे को फोन किया, मेरे को बताया कि मैंने 566 स्कोर किया आउट ऑफ 800 एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 3। मैं ये कुछ नहीं पूछा, मैं बोला सर ईस्टर्न रीजन में मेरा रैंक क्या है? बोला ऑल इंडिया रैंक 1 इन ईस्टर्न रीजन, रैंक 1 इन ईस्टर्न रीजन, रैंक 1 इन ईस्टर्न रीजन मतलब हम टॉप कर गए, वो सेकंड हो गया। अरे एक होता है ना यार, तुम्हारा कोई कंपटीशन तो होना चाहिए लाइफ में, ऐसा तो होना चाहिए ना भाई, इसको बीट करना है। और वो ऐसा नेगेटिव नहीं था कि मैं उसके लिए कुछ खराब बोलूं या मैं उसको जाके कुछ बोलूं या उसको पढ़ने नहीं दूं, मेरा उससे कभी बात नहीं हुआ आज तक। आई एंड हिम आई नेवर एक्सचेंज्ड अ मैसेज, मैं कभी कोई बात नहीं किया। बट लोगों की बिलीव थी कि यार तू एक कर सकता और तुझको करना पड़ेगा। और लोगों को मेरे ऑल इंडिया रैंक 3 से खुशी नहीं था, अबे तू फर्स्ट है भाई, तू छोड़ सब कुछ। ये बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं ना, उसमें 40-50% बच्चे ना इतने मायूस हो जाते हैं कभी कभी कि वो अपना सेल्फ बिलीफ ही लूज कर देते हैं। थोड़ा कुछ होता है, कोई कुछ बोल देता है, सेल्फ बिलीफ खत्म, कि साला मेरे से कुछ नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। अ रैंकर हैज टू बी पॉजिटिव, हिज अप्रोच, हिज बिलीफ शुड बी पॉजिटिव, कि नहीं हुआ आज कम पढ़ा कल पढ़ लेंगे।
हमको करना है, आज नहीं हो पाया कल कर लेंगे। बहुत बच्चा का ऐसे होता है, तीन दिन घर पे कोई काम आया पढ़ नहीं पाए, सर इस बार हम एग्जाम नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं हो रहा है। ऐसे करने से नहीं होगा, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर एटीट्यूड। सर ठीक है नहीं हो पाया, दो दिन रात जाके पढ़ लेंगे, बट सर पढ़ के जाएंगे। दिस हैज टू बी द एटीट्यूड ऑफ अ रैंक होल्डर। हार्डवर्क नंबर वन, नंबर टू डेडिकेशन है, नंबर टू आउट ऑफ द बॉक्स जो दूसरे नहीं कर रहे हैं वो करना है, मतलब हर चीज को खुद से इंटरप्रेट करना है। तुम कॉस्टिंग में एक सवाल बनाते हो एक तरीके से, नवनीत सर को बोलना वो पांच तरीके से एक ही सवाल बना देगा, मैं भी पांच तरीके से एक ही सवाल बना सकता हूं। तुम एक ही तरीके से क्यों बना रहे हो, तुम तो दौड़ में हो ना, सर ये सिखाए यही करना है। नहीं सर ये सिखाए हैं, सर मैंने घर जाके ट्राई किया, ऐसे कर सकते हैं क्या सर, दैट इज वेयर यू आर थिंकिंग। सर ऐसे करे तो कैसा रहेगा, दैट इज वेयर यू आर थिंकिंग। हाँ ऑल आंसर शुड बी करेक्ट, गलत कर रहे हो तो सीखना है कि नहीं ऐसे करना है, ये इसमें गलत है। बट अगर तुम सही आंसर को ही तीन तरीके से ला पाए, मतलब तुम सोच रहे हो उसके बारे में, और अगर तुम सोचना सीख गए ना तो तुम कोई भी सब्जेक्ट को इजीली कर लोगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन को, हमारे जो टीचर थे ना कॉस्ट के, वो कैसे टीचर थे पता है, चैप्टर को 20 मिनट इंट्रोड्यूस करते थे, फिर क्वेश्चन बोल दिए तुमको करना है, क्वेश्चन दे के 20 मिनट चले गए। हम लोग क्लास में झगड़ा कर रहे हैं, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, फिर 20 मिनट बाद आए समझाना शुरू किया, देखो तुम लोग यहां गलती किया, हां सर यहां गलती हुआ, बोला ये ध्यान रखो इसका प्रिंसिपल ये है। मतलब अगर चैप्टर में 50 सम होता था ना, 50 सम का सम हम लोग को करने देते थे, एक भी सम खुद से नहीं करते थे। वो बोला मैं तुमको उंगली पकड़ के सिखा सकता, उंगली पकड़ के ले जा नहीं सकता, सीख लिया उंगली छोड़ दी, अब खुद से कर लो। और तुमको भी ऐसा ही टीचर का खोज होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर से निकाल के लाए बेस्ट, ऐसा टीचर नहीं जो तुम्हारे अंदर सिर्फ डाल दे कि भाई ले 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 ऐसे ऐसे कर ले, वो टीचर कोई काम का ही नहीं है। वो टीचर क्यों काम का नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारी कैपेबिलिटीज को ही चैलेंज नहीं किया, तुमको बस इतना ही मान के तुमको दे दिया, ले ले तेरे से इतना ही होगा। क्यों इतना होगा, मेरे से ये भी हो जाएगा, सर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा बताइए। जिस दिन ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिए ना, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे क्लास में ये रैंक होल्डर है। तो फर्स्ट हो गया हार्ड वर्क, सेकंड हो गया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, हम कोई भी चीज को कैसे सोच सकते हैं वो सोचना सीखना पड़ेगा, और तीसरा यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड योर सेल्फ बिलीव शुड ऑलवेज बी देयर। इफ यू डोंट हैव योर सेल्फ बिलीव कि भाई हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। मेरे को ये सेल्फ बिलीफ है मैं कुछ दिन कोई दिन कुछ अच्छा करके जाऊंगा, तो वो बिलीफ बहुत काफी है। वो बिलीफ कभी ऐसा हिलता है ना कि यार मैं कुछ सही कर रहा हूं कि नहीं, मैं भगवान के पास जाता हूं, मंदिर जाता हूं। मैं मंदिर सिर्फ तभी जाता हूं जब मेरा मूड ठीक नहीं होता। मेरे साथ कुछ गलत हुआ ऐसा नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे, मेरा मूड ठीक नहीं होगा ना हमको मंदिर जाना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड शांति देन। नहीं तो हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, मेरा थोड़ा गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्लास में नहीं दिखेगा बट आ जाता है मेरे को। तो दिस इज वेयर यू नीड टू थिंक इफ यू वॉन्ट टू बी अ रैंक होल्डर। एंड चेहरे से या पुराने मार्कशीट से रैंक होल्डर डिसाइड नहीं होता है। तुमने अगर फाउंडेशन में 320 भी लाया, इसका मतलब ये नहीं है तुम इंटर में रैंक होल्डर हो। हर जर्नी एक नया दौड़ है, शुरू से सबको दौड़ना है। फाउंडेशन में 320 लाने से तुमको इंटर में कोई तीन सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिला है, तुमको भी वही 6 एग्जाम देना है, तुमको भी उतना ही टाइम मिला है जितना दूसरे को मिल रहा है। तो ये नया दौड़ है, सबको वापस दौड़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे फाउंडेशन में अच्छा लाए थे, ये एरोगेंस या ये घमंड मत लाना कि हम तो इंटर में भी इन लोग से ज्यादा लाएंगे। एक बच्चा है 320 किसका है, अकेला हाथ उठाया, वो चारों तरफ देखता है, वैसे साला इन लोग का 320 ही नहीं था, इंटर में तो ये लोग पीछे ही है मेरे से, पता नहीं चलता है। इसीलिए सीए में बोलते हैं सीए में रैगिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि पता नहीं चलता कौन जूनियर कौन सीनियर, समझ रहे हो, पता नहीं चलता है कौन जूनियर कौन सीनियर। आज तुमको लग रहा है फाउंडेशन वाले से तुम सीनियर हो, सकता है वो फाइनल में तुमसे पहले पहुंच जाए और उस दिन वो रैगिंग करेगा फिर, और बताओ जूनियर आर्टिकल कैसे हो। सो यहां पे कोई रैगिंग नहीं होता है, कोई रैगिंग नहीं होता है सीए में, इट इज ओनली बिकॉज नो वन नोज वो किस पोजिशन पे है। सो ये थोड़ी बातें ध्यान रखो। मैं तुमको इतना बोल सकता हूं, इतना नॉलेज दूंगा कि एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करते समय हाथ नहीं कांपेगा,
तुमको ये नहीं लगेगा पेपर देते समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि इस पेपर में हम पास नहीं होंगे, ये मेरा 100% वादा है तुमसे। बट इसको उस डर खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टॉप भी कर जाओगे। टॉप करने के लिए जो लेवल चाहिए वो लेवल तुमको भी अचीव करना पड़ेगा। एग्जाम तुम फेल नहीं होगे, ये मेरा वादा है। मेरा सब्जेक्ट जो मेरे से पढ़ रहे हो वो फेल नहीं होगे तुम, बट तुमको उसमें 90 मिलेगा कि नहीं ये हम नहीं बोल सकते, ये तुम ही बता सकते हो। और वो सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है। और इस उम्र में मेहनत को छोड़ के करना ही क्या है यार, तेरे को कोई बर्तन मांजना है? थोड़ा पीजी में जो लोग रहते हैं, सॉरी, कपड़ा धोना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे, छोड़ो, हम नहीं बोलेंगे वो। बट हम ये बोल रहे हैं, घर चलाने का टेंशन नहीं है। आज हम लोगों के पापा पैसा देकर हम लोगों पे ये तो कर दिए कि हम कहीं अच्छी जगह जाकर पढ़ पा रहे हैं। अगर इसके बाद भी तुम रिजल्ट अचीव नहीं कर रहे हो तो पापा लोग जो गुस्सा होकर डांटते हैं ना, वो कहीं गलत नहीं है। किसी को अगर अपने पापा मम्मी की डांट से खराब लगता है ना, वो बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, वो बच्चा गलत जगह पे जा रहा है। ही और शी शुड लीव दैट कंपनी जो उनको ये सिखा रहे हैं कि उनके पापा मम्मी क्यों डांटते हैं। मेरे तो पापा मम्मी नहीं डांटते हैं। तेरे पापा मम्मी नहीं डांटते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डांट रहे तो कुछ खराब नहीं है, कम से कम वो बोल तो रहे हैं हमको कि कुछ करना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, सर मेरे पापा मम्मी ना बहुत बोलते हैं। अरे बोलते हैं मतलब साला तुमसे बात तो करते हैं? नहीं बात करेंगे तो मुंह फुला के हो गए, सर मेरे पापा मम्मी देखिए ना कैसे मेरे से बात ही नहीं करते। मतलब हर चीज में तुमको एक प्रॉब्लम है। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड ही हमारा पतन का बहुत बड़ा कारण है। कुछ नहीं बोले तो दुख, कुछ बोल दे तो दुखी। नहीं साला क्या चाहिए तुमको लाइफ में? सो प्लीज ये सब छोटी छोटी बातों को अपने मेन स्ट्रीम मतलब मेन करियर पाथ में मत आने दे। और जो तुम लोग पहले बोला था, जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था, हम बोलेगा मोबाइल फोन एज अ डिस्ट्रैक्शन, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज यू आर मेकिंग इट अ डिस्ट्रैक्शन। मैं तुम्हारे सामने 2 घंटा बैठा हूं, बहुत सारे बच्चे पीछे बैठते हैं जो या तो सो जाते हैं या मोबाइल खोल के देखते हैं। उनका जो फोकस है ना, फोकस वो बहुत लैक है, इसीलिए उनको बार बार मोबाइल फोन खोल के देखना पड़ता है। मेरे को तो 2 घंटे में जरूरत नहीं पड़ा मोबाइल फोन खोल के देखूं, नहीं जरूरत पड़ा। क्यों? फोकस है भाई इतना तो, कि बच्चे के सामने मोबाइल फोन खोलने का दरकार नहीं है। एंड आई एम एंजॉइंग दिस, इसीलिए मेरे को कोई दूसरा चीज याद नहीं आता है। तुमको क्या है? इसके साथ चल वो भी देख लेते हैं। अभी इंस्टा में वो कोई वीडियो बनाई है क्या? उर्फी जावेद को देखोगे? अभी बहुत फेमस है, सुने? हाँ, रिप्लाई आया कि नहीं? किसका? ओ ठीक है, किसी का। ये रिप्लाई आने के चक्कर में बहुत बच्चों ने अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए हैं। रिप्लाई आने का वेट करने के चक्कर में कर नहीं रही है, कब करेगी? पेशेंस डेवलप नहीं होता, वे खत्म हो जाता है, अबे कर ही नहीं रही है। इससे तो बच्चे को यह शिक्षा लेना चाहिए, चल वो नहीं करेगी रिप्लाई, चेंज कर। बट बच्चा डिप्रेस में चला जाता है कि यार रिप्लाई नहीं कर। कुछ नहीं है, मोबाइल फोन एज अ डिस्ट्रैक्शन तभी है जब आप उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दो। मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तब मोबाइल फोन यूज मत करो। फिर तुम अगर दिन में तुम्हारा 2 घंटे में पढ़ाई हो गया, तुम 10 घंटे मोबाइल देख, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम पढ़ाई करते समय भी मोबाइल देख रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी करियर को और डिस्ट्रैक्शन को अलग कर दो। जब करियर पर बात करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन से बात करें तो करियर बीच में नहीं आना चाहिए। ताकि डिस्ट्रैक्ट हो तो पूरे डिस्ट्रैक्ट हो, फोकस्ड हो तो पूरे फोकस्ड हो। तो तुम करो ना यार, मोबाइल फोन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है ये। बच्चा मेरे को बोलता भैया हम मूवी देखने जाएंगे, हम उसको बोलेंगे मूवी ना, जा भाई, बट जिस दिन क्लास हो क्लास छोड़ के मूवी मत जाना। तुम सुबह जाके आओ, तुम शाम को जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्लास नहीं आए ये बोल के मूवी देखने जाएंगे, फिर तुम 1 हफ्ता क्लास छोड़ दिए, ये गलत है। तो ड्रॉइंग अ लाइन बिटवीन दीज टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना सा ये है कि जब पढ़ाई करो तो फोन यूज मत करो। सर पढ़ाई तो सारा फोन पे हो रहा है। नोटिफिकेशंस बंद कर दो, ठीक है, और पढ़ाई वाला फोन और वो फोन अलग कर लो। सर इतना पैसा नहीं है हम लोग के पास। हाँ नहीं होता, दो दो मोबाइल फोन कौन अफोर्ड करता है? नंबर 2 मेरे पास ही नहीं है।
मैं लिखवा रहा हूं, दो मिनट और। नहीं कोई नोट नहीं था, लाइबिलिटी था लास्ट। नहीं ये नोट नहीं करना है, अब लिखो, दो मिनट लिखो फिर दे रहा हूं छुट्टी। प्रोविजन, इट इज अ लाइबिलिटी, बातचीत बंद। इट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब ब्रैकेट में लिखूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इट इज अ लाइबिलिटी दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाई यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ, ओनली बाई यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, ओनली बाई यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन भी एक लाइबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सर्टेन नहीं है, इसमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है। दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाई यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। एग्जाम्पल, वॉरंटीज, वॉरंटीज बोलो, और नेक्स्ट क्या बोला था, ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एक्सेट्रा। नंबर थ्री, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब ये प्रेजेंट से क्या हो गया, पॉसिबल, पॉसिबल मतलब जो प्रोबेबल नहीं है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट प्रोबेबल। इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन हुज ऑकरेंस डिपेंड्स अपॉन, हुज ऑकरेंस डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, होना या ना होना, happening or non-happening of one or more uncertain future events, whose happening depends upon one or more uncertain future events. Example contingent liability ka, guarantee given for others, guarantee samajhte ho, given for others, pending court case, bills discounted या endorsed but not yet matured, अभी तक mature नहीं हुआ है, discount करवा रखे हैं mature नहीं हुआ है, तो यहां मेरा एक लाइबिलिटी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो सामने वाला पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। नंबर फोर, लाइबिलिटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लाइबिलिटी तभी रिकॉर्ड करोगे जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो, फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर ए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। नंबर बी, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, सर्टेन या प्रोबेबल दोनों चलेगा, रिसोर्सेस इज सर्टेन या प्रोबेबल, प्रोबेबल होगा तो प्रोविजन, सर्टेन होगा तो लायबिलिटी। नंबर थ्री, अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन या अमाउंट ऑफ आउटफ्लो कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, आउटफ्लो कितना होगा वो मैं मेजर कर पाऊंगा, चाहे बाई एस्टिमेशन चाहे एक्चुअल, एक्चुअल हो गया तो लाइबिलिटी, एस्टिमेशन हो गया तो प्रोविजन। अकाउंटिंग रूल, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी को कम करना है डेबिट।
तो सिंपल ऐसे बोलूं, लायबिलिटी अराइज किया तो क्रेडिट कर देना लायबिलिटी को, लायबिलिटी वेव हो गया पे हो गया तो लायबिलिटी को डेबिट कर देना। लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोविजंस, प्रोविजंस रिकॉग्नाइज करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते, डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है यहां तक? वैसे वो उस बातों पर मेरा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा अलग से, अभी के लिए मैंने सिर्फ समझा दिया सो दैट यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम। जाओ आज के लिए सिर्फ इतना ही। सर प्रोविजन को अनसर्टेन लाइबिलिटी बोल सकते हैं? मैं अनसर्टेन लाइबिलिटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट होगा या नहीं होगा वो अनसर्टेन है, और कितना होगा वो अनसर्टेन है। Not yet matured. सुहानी matured है वो word.
हेलो। हाँ ऑनलाइन में डाउट है सर, एक एस्टिमेट प्रोविजन भी तो बना सकते हैं, बट इफ बैड डेट प्रोविजन से ज्यादा हो गया तब क्या करेंगे? तो एक्स्ट्रा लॉस दिखाएंगे। हमने एस्टिमेट किया, हमको लगा 1,000 का नुकसान होगा तो मैंने 1,000 का प्रोविजन बना लिया। अब मान ले नुकसान 1,200 का हो गया तो 200 का लॉस नेक्स्ट ईयर दिखा देंगे, बात खत्म। एस्टिमेशन गलत हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक्स के टोटल कितने क्लासेस होंगे? 9 to 10, 9 to 10 इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डन, बाय बाय।